हेलो हाँ यस आवाज़ क्लियर आ रहा है प्लीज बताओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है गुड मॉर्निंग वर्षा शुभम शिवम सेजल प्रांजल जसप्रीत पुनीत गुड मॉर्निंग बेटा ऑल सेट एवरीथिंग इज क्लियर राम राम राधे राधे ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए राजेश राज़। याचा कैमेरा सिलेक्ट कर थोड़ा मला खाली है वेल well, सो so, दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आर यू रेडी तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बहुत सारे नालायक मॉर्निंग में देखेंगे कुछ नालायक रिकॉर्डेड वीडियो आफ्टरनून में देखेंगे और कुछ ज्यादा ही नालायक <laughs> रात को देखेंगे सो so, ज़्यादा तक देखा जाए सभी को यहाँ पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग तो चलिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करते आर यू रेडी एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा, हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा, होगा। बहुत अच्छा होगा आए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस बार टैक्सेशन अस्सी बार उसके नीचे आपको सोचना भी नहीं।, नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं मेनली uh, हम जो देख रहे थे कि आईटीसी कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ वैट में उसके बाद वैट उसके बाद अभी जीएसटी एंड एक्सेट्रा चलो अब धीरे धीरे आपके दिमाग में ये पैरल क्वेश्चन चालू हो जाएगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं आपको ये बता दूं इसकी चिंता मत करो क्वेश्चन में जब दूंगा आपको आने वाले दस दिन में मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें अभी अपडेशन चालू है ठीक है तो एग्जाम के क्वेश्चंस और आरटीबी क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन में और सॉल्व करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये मैं सब कुछ बताऊंगा ठीक है तो अभी उसकी चिंता मत करो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसकी चिंता करो और समझ में आपको अच्छे से आ रहा है वेरी गुड चलो नाउ एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था उस एग्जाम्पल की बेस पर हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने यहां पे आई के कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे चलो क्वेश्चन नंबर एलेवन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर एलेवन आई थिंक पेज नंबर ट्वेंटी फाइव होमवर्क दिया था वही चेक कर रहे ना दिया था मैंने मैंने बोला था ट्राई करके देखना मैं तो सॉल्व सोल्व तुम हाँ इसमें जिसको जो लेना है उसने वो लिया ट्राई करके देखना मैं क्यों करूं फीस किस बात की दी है कुछ बच्चों ने ऐसा लिया कुछ बच्चों ने ऐसा लिया कि वे करवाएंगे सर मेरे पास कहा टाइम है कितना बिजी होता हो अरे है ना कुछ बच्चों ने ऐसा लिया ओके कि नहीं मैं ट्राई करूंगा मुझे जम गया मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी वो जैसा लेगा वैसे उसको रिजल्ट मिलते समझ में आ गया जो जैसा लेगा वैसे रिजल्ट मिलेंगे इंस्टीट्यूट को कभी गालियां मत देना ख्याल रखना तुम्हारा रिजल्ट के रिस्पॉन्सिबल तुम ही हो समझ में आया क्या तो हाँ देख कितने जोरदार बोल रहा है वो ठीक है था यहां Messrs. Alpha Limited of Maharashtra purchases goods at intrastate as well as interstate level and supplies such goods to various dealers at intrastate as well as kya? interstate level. The details of balance in its electronic credit ledger and electronic liability register are as follows. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी लेजर समझ में आया क्या आईटीसी लेजर जो आप मेंटेन कर रहे हो और लाइबिलिटी रजिस्टर मतलब आपका आपका आउटपुट आउटपुट टैक्स टैक्स क्या ठीक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का उन्होंने जो दिया है वो आपका क्लाइंट आप इसको देखना कैसे कभी कभी थेरी को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से उसको फील करना चाहिए आप जरूर देखो जस्ट इमेजिन करो कि आप सीए बन गए जो बनोगे ही या सी एम आप कर रहे तो डेफिनेटली आप ये प्रोफेशनल एग्जाम कंप्लीट करोगे आप ऑफिस में बैठे और क्लाइंट आपके पास आया क्लाइंट ने क्लाइंट का अकाउंटेंट है उसने मंथ का डाटा आपको दे दिया और आपको कहा कि 20 तारीख को मेरी लाइबिलिटी आएगी तो मेरी नेट लाइबिलिटी निकाल के दो ओके okay, फर्स्ट टू एंड ऑफ द मंथ जस्ट फील करो फील करो ओके फर्स्ट टू एंड ऑफ द मंथ मेरे पास डेटा सभी का ध्यान चाहिए देखो मैं जब तक बहुत अच्छा हूं तब तक बहुत अच्छा हूं नहीं तो फिर एक आधी तभी मेरी सटक गई ना तो जिंदगी भर याद रख ला गया वो तो सिर्फ एग्जाम्पल था वो तो सिर्फ एग्जाम्पल था कहाँ गया पता नहीं हो <laughs> मैं पहले ही कह रहा हूं क्लास चालू कर दिया अपना फायदा सोचो मेरे से क्या लेना है फटाफट ठीक है ये सोचो ठीक <laughs> <laughs> तो या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है लाइबिलिटी रजिस्टर तो क्लाइंट आया क्लाइंट ने आपको मंथ का डेटा दे दिया कि सर मेरे क्रेडिट इतने पूरे मंथ के अब देखो कल ही हमने एक मैच्योरिटी डेवलप कर ली हमको प्रोडक्ट बेस नहीं देखना है हमको टैक्स बेस्ड टोटल टैक्स ऑफ द मंथ कुछ याद आया क्या ये मेरा क्रेडिट है और ये मेरी मंथ की लाइबिलिटी है जनरली मेरे साथ ऐसा होता है बहुत से क्लाइंट टेबल बना के लेके आते हैं कि फिर मैं दो स्टेप लेता हूँ तूने जो लिया है वो सही है कि नहीं है अब समझ लो मेरी 60 परसेंट टाइम मुझे अकाउंटेंट देख के पता चल जाता है इसकी मिस्टेक नहीं रहती है तो मैं फिर दिमाग नहीं रहा था जब मैं ऑनलाइन पोर्टल पे थ्री बी फाइल करता हूँ जी एस टी या थ्री बी बीस तारीख को तो मैं उसके डेटा पे ट्रस्ट कर लेता हूँ और फटाफट नेट लाइबिलिटी निकाल के रिटर्न कम्प्लीट कर लेता है कभी कभी मुझे डाउट होता है यार ये अकाउंटेंट ना हर बार गड़बड़ करता है तो फिर मेरे टीम को स्टाफ को बोलता हूँ कि जा इसका चेक कर कि जो इसने बना के दिया है वो सही है या गलत है ये समझ में आए क्या तो अब प्रॉब्लम है तुम ये थोड़ी बोल सकते हो एग्जाम में प्रॉब्लम आया तो पहले मैं चेक करूंगा सही की गलत है वो तो अज्यूम कर लो सही है ठीक है तो अब यहां पे तो कुछ नहीं करना है आपको हमारा कल वाला फॉर्मेट यूज करना है थ्री बाय थ्री वाला समझ में आया क्या थ्री बाय थ्री वाला फॉर्मेट यूज करना है वो सिंपल था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट ड्यूटी बाय मिस्टेक आया नेट जीएसटी नेट जीएसटी पेबल बाय मिसेस अल्फा लिमिटेड चलिए बना लो मेरे साथ कैलकुलेशन हो गया होगा जिसका ठीक है मैं उन नालायकों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नहीं किया ठीक है तो कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स अल्फा लिमिटेड थ्री बाय थ्री का फॉर्मेट रहेगा हमारा पर्टिकुलर्स आईजीएसटी सी जी एस टी एस जी एस टी ठीक है टैक्स out, भी लिख सकते हो या लाइबिलिटी रजिस्टर भी लिख सकते हो लाइबिलिटी रजिस्टर और एडवांस है वो स्टेप पे मैं जाऊंगा धीरे धीरे ठीक है लाइबिलिटी रजिस्टर तो और एडवांस हो गया फिर हमने कहां से स्टार्ट किया बताया गया आउटपुट टैक्स फिर सेकेंड स्टेप जब मारी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई फिर थर्ड और एडवांस लेवल पे अगर टर्म जाए तो लाइबिलिटी रजिस्टर समझ में आए क्या तो अभी तो आप इतना ही लिखो आउटपुट टैक्स कितना आपका आउटपुट टैक्स नहीं नहीं आई जी एस टी ट्वेंटी सी जी एस टी जी एस टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव लेस क्या बेटा आई टी सी आई जी एस टी सी जी एस टी एच जी एस टी थ्री बाई थ्री का फॉर्मेट हो गया हमारा फिफ्टी ट्वेंटी फाइव फिफ्टी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है रुपीस 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 ठीक है अब यूटिलाइजेशन आई जी एस टी का पहले क्रेडिट आई जी एस टी में बैलेंस तुम जैसा यूज करना चाहो वैसा यहाँ स्टूडेंट के आंसर बदल सकते हैं कोई फिफ्टी फिफ्टी कोई हंड्रेड जैसा भी होगा तो यहाँ पे आई जो है फिफ्टी फिफ्टी ओके मतलब ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड नहीं थर्टी है ना पंद्रह हजार पंद्रह हज़ार पंद्रह हजार पंद्रह हजार डन ओके उसके बाद में आई पूरा ख़त्म हो गया है ना फिर क्या आएगा सीजीएसटी कल जो अपसेंट होगा या कल का सेशन जिसने नहीं किया है भाई साहब मैं ये कहूँगा कि आज का थोड़ा बहुत धीरे अभी का पहले का डिस्कशन नहीं समझ में आएगा लेकिन कल का सेशन छोड़ना मत बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाई कल मैंने ठीक है कल का सेशन खत्म कर देना उसके बाद में क्योंकि रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे है तो आप बाद में भी देख सकते हो पर कल का कंप्लीट करना पेंडिंग मत रखना सी का क्रेडिट सी का क्रेडिट सी में कितना पहले तो एस में क्रॉस कर दो सी में टेन थाउजेंड की जरूरत थी ओके और यहां पे डैश एस का क्रेडिट टेन थाउजेंड और यहां जरूरत ही नहीं है डैश ठीक है तो नेट जीएसटी पेबल नेट जी एस टी पेबल नील 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 एंड आई टी सी कैरी फॉरवर्ड सी जी एस टी रुपीस फिफ्टीन थाउजेंड एंड एस जी एस टी रुपीस फिफ्टीन थाउजेंड देन ठीक है थोड़ा एक एडवांस लेवल पे अभी तो आपको एग्जाम में ऐसा ही पढ़ना है थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाओ कंफ्यूज नहीं होंगे कोशिश करता कभी कभी ना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना और कोशिश करना कि यहां पे अच्छा अभी अभी नहीं रुको थोड़ा बाद में अभी नहीं अभी नहीं रहो कंफ्यूजन हो जाएगा अभी नहीं ठीक है थोड़ा बाद में चलो या इतना समझ में आया आपको देन चलो. चलो ओके ये इस ये प्रॉब्लम भी हो गया और हमारी यूटिलाइजेशन की रिविजन भी होगी हम कल डिस्कशन थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कुछ याद आ रहा है आपको वो पेज नंबर पे आ जाओ क्या पेज नंबर था थर्टीन पेज नंबर थर्टीन पे आ जाओ यहां पर वट इज दोर्स एंट्री यस बोलो हाँ huh? तो सोर्स एंट्री होगी नहीं नहीं अमेंडमेंट हुआ वन जीरो वन सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी टू फोर्टी सिक्स ए जहां से जीएसटी लगाने का पावर लिया गया पांच ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी एक जुलाई 2017 से नहीं लाया गया यह कहा गया था कि जिस दिन जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन होगा सभी अग्रीड हो गए उस दिन के बाद ही इन पांच गुड्स को जीएसटी के स्कोप में लाया जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है बेटा जीएसटी के स्कोप में आना मतलब क्रेडिट मिलना जीएसटी के स्कोप में आना मतलब क्रेडिट मिलना और ये गुड्स जब पुराने लॉ में थे बस इतना ही समझना इससे ज्यादा में जब ये गुड्स पुराने लॉ में थे एक्साइज में सेल्स टैक्स में तो इनके क्रेडिट ब्लॉक थे मतलब गवर्नमेंट ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कैस्केडिंग इफेक्ट चाहती थी समझ में आया क्या क्योंकि गवर्नमेंट इनके कंजम्पशन डोमिनेट करना चाहती है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज लोग कभी कर, थोड़ा बहुत आपने आपकी अवेयरनेस अगर होगी तो थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि पेट्रोल पे हेवी टैक्सेस है एक्साइज वैट वगैरह ये भी कभी कभी न्यूज में सुना होगा कि अगर टैक्सेस हटा दिए तो पेट्रोल की प्राइजेस आधी हो जाती है आधी हो जाएगी थोड़ा बहुत सुना होगा ये इसलिए सुना है आपने क्योंकि पेट्रोल के में पहले से कैश इफेक्ट रखे हुए हैं कैश इफेक्ट मतलब टैक्स ऑन टैक्स क्रेडिट्स अलाउड ही नहीं किए क्रेडिट्स अलाउड ही नहीं किए एक्साइज में भी जब मैं एक्साइज पढ़ाता था सेल्स टैक्स पढ़ाता था तो मैं ये चिल्ला चिल्ला के कहता था कि सारे गुड्स पे क्रेडिट्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट छोड़ के वो ब्लॉक में है उनके क्रेडिट्स ही नहीं मिलते एंड गवर्नमेंट ने जानबूझ के कैश इफेक्ट रखे थे टू डोमिनेट द कंजम्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करने वाज़ की वजह से हमारी फॉरन एक्सचेंज बहुत स्पेंड होती थी उसके ऊपर हमारी फॉरन एक्सचेंज अगर स्पेंड हो रही है तो हम उसका कंजम्पन कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं समझ में आया इसलिए कैस्केडिंग इफेक्ट रखा गया था लेकिन बाद में यहाँ पे जब जीएसटी की बात आई तो जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था मुझे याद है जब मैंने उसके ऊपर डिस्कशन पढ़ा था वाइट पेपर पढ़े थे 2015 में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि पेट्रोल को लेके आते हैं जीएसटी में ठीक है जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी प्रपोजल दिया था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाते हैं जीएसटी में आने से क्या हो जाएगा कि भाई क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा और क्रेडिट अगर मिल जाए तो पेट्रोल की प्राइजेस कम हो सकती है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी कम होता है अरे है ना और प्राइजेस भी कम होती है क्योंकि क्रेडिट जीएसटी कंप्लीटली वैट बेस्ड सिस्टम है आई होप यू अंडरस्टूड लेकिन स्टेट्स गवर्नमेंट नहीं मानी बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानी और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये प्रोडक्ट को छोड़ो अभी फिलहाल हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इसको तो मोदी जी ने कहा ठीक है मैं जीएसटी को अब लेट नहीं कर सकता मैं जीएसटी एक जुलाई दो से ही लाऊंगा बताओ कौन कौन से गुड्स के प्रॉब्लम हैं मैं अब वजह से लेट हमारे काउंसिल में कॉमन एक्सेप्टेंस आएगा उस दिन देखेंगे और तो उसके लिए स्पेशली फिर क्लॉज में स्पेसिफाई आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दिया गया कि पांच गुड्स छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी लेके आ जाएगा फिर एक सवाल ही आता है कि सर ये पांच गुड्स पे जीएसटी आता ही नहीं क्या सॉरी ये पांच गुड्स पे टैक्स आता ही नहीं है क्या आता है पर ये जीएसटी नहीं आता है इस पांच गुड्स पे कौन सा टैक्स आता है जो हमारे पुराने टैक्सेस थे पुराने टैक्सेस कौन से थे एक्साइज था एक्साइज था वैट था टैक्स पहले नाम था वैट ओके तो एक्साइज था वैट था तो ये टैक्सेस कंटिन्यू रहेंगे ओके okay, तो अब आपको क्या करना है आप अभी जो है यहां पर हां यहां साइड में लिख देना दीज गुड्स दीज गुड्स आर सब्जेक्ट टू ओल्ड टैक्सेस रेड पेन होगा तो वो यूज करना ओल्ड टैक्सेस मतलब कौन से टैक्सेस एक्साइज एक्साइज एक्सरसाइज नहीं है कुछ स्टूडेंट गलती से एक्सरसाइज बोलते हो उसको ई एक्ससीआई एक्साइज वैट एंड सी एस टी एक्साइज वैट एंड सी एस टी These goods are... नहीं वैट में भी ब्लॉक क्रेडिट थे बेटा एक सवाल है यश का कि सर बट तो वैट तो जो था वो तो यहाँ पे पहले क्रेडिट मिलते थे पर उसको उसमें ये ब्लॉक थे ब्लॉक थे मतलब क्रेडिट डिसअलाउड थे क्रेडिट डिसअलाउड थे इसके क्रेडिट्स नहीं मिलते थे ठीक है तो CST है, CST मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स CST मतलब पुराना एक टैक्स था जिसका नाम था सेंट्रल सेल्स टैक्स जो इंटरस्टेट पे लगता था आज इं, 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 इंट्रा और इंटरस्टेट पे आईजीएसटी लगता है समझ में आया ना इंटरस्टेट पे आई जी पहले सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स ठीक है अब बीच में ठीक है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट अब एक चीज में आपको यहां कहना चाहूंगा थोड़ी सी नीचे स्पेस होगी सिर्फ रेड पेन से यहाँ थोड़ी सी स्पेस होगी ठीक है वहां रेड पेन से एक लाइन लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है क्या लाइन लिखना है थोड़ा बता देता हूं सुनो सभी ध्यान से हाँ सभी दो, दो मिनट ध्यान देना वहां लिखना है फ, अन, पहले सुन लो वर्डिंग्स को अंडर जीएसटी दिस गुड्स आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाई एक मिनट एक मिनट मैंने स्टार्ट कैसे किया अंडर जीएसटी मतलब वैसे तो वो टैक्सेबल है वैसे तो वो टैक्सेबल है पुराने टैक्स आते हैं उसके ऊपर अरे है ना और अंडर जीएसटी जीएसटी के अंडर में ये जीएसटी के नॉन टैक्सेबल माने जाएंगे समझ में है ना तो ये लिखो अंडर जीएसटी अंडर जीएसटी अबव गुड्स अबव फाइव गुड्स कौन से फाइव गुड्स मेरे साथ लिस्ट रिवाइज करोगे आप पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन ठीक है अब फाइव गुड्स आर कॉल्ड एस आर कॉल्ड एस कैपिटल लेटर इन्वर्टेड कॉमा नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो इसके आगे मैं अब इतना लाइन नहीं कहूंगा अंडर जीएसटी क्योंकि हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो इसके आगे मैं अगर सिर्फ आपको इतना करूं नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो आपके दिमाग में पॉपअप क्या आनी चाहिए फाइव गर्ड ऑनली जीएसटी का टैक्स ही नहीं है लेवी ही नहीं है समझ में आया ना जीएसटी का टैक्स ही नहीं है इसे कहते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई ठीक है चलो ये डिस्कशन हमने देख लिया फिर आ जाओ आर्टिकल टू सिक्सटी नाइन ए पे कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ क्या इंटर स्टेट हाईलाइट करो ये तो आपको पता है इंटरस्टेट में कौन सा टैक्स लगाने का पावर है इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगाने का पावर है स्टेप नंबर सिंपल वर्ड में स्टेप नंबर टू कौन कलेक्ट करता है इंटरस्टेट का टैक्स नहीं आई जीएसटी आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है सेंट्रल और बाद में क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूट करेगा बस वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के एक्चुअली इसके भी जो बड़ा कॉमेडी सीन हो रहा था दो uh, 2011 की कमेटी मीटिंग थी मेरा पूरा ट्रैक है 2009 से जीएसटी पे पूरा ट्रैक था हर मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रहा है तो 2011 की मीटिंग थी कि uh, भाई नेशनल uh, मॉडल नहीं लाएंगे ड्यूअल मॉडल लाएंगे और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो केस में आईजीएसटी लगाएंगे और कलेक्शन सेंट्रल करेगा सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मान गए इस कमेटी में कि ठीक है सेंट्रल कलेक्ट करेगा बाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा हाँ ठीक है तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो आप बाद में डिस्ट्रीब्यूट करोगे कलेक्ट करके वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो हमें भरोसा नहीं समझ में आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो यानी जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अमेंडमेंट होगी तो इसके लिए स्पेशल आर्टिकल लिखा जाएगा अरे समझा है स्पेशल आर्टिकल लिखा जाएगा कि कलेक्शन सेंट्रल करेगा और बाद में वो स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तब, तब भी हेड फाइनेंस थे कमेटी के आज उसे काउंसिल बोला जाता है समझ में आया ना आज कमेटी वर्ड यूज मत करना आज काउंसिल तब जीएसटी कमेटी वर्ड था तो फिर मान गए कि ठीक है उसके लिए स्पेशल आर्टिकल लाए गए आर्टिकल टू ए डिसाइड हुआ जिसमें लिख कर दिया गया कि बस कलेक्ट करेंगे बांटेंगे समझ में आया तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखो गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ क्या इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लीव एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मिनट आईजीएसटी का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन हा ये लिख के दिया और शैल बी be का मतलब आपको पता है कंपल्सरी होता है एक चैप्टर आएगा लॉ में शायद हो गया होगा या हो इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर होगा मेरे को बहुत मजा आता है उसमें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू लॉ में आता है जिसमें वर्ड मे बी बी शैल बी का मतलब होता है मैंडेटरी तो ये स्टेट वालों ने बी लिखवाया समझ में है ना कि भाई आप मैंडेटरी बांटोगे उसको तो देखो सर स्टैक बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एस मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी कौनसेप्ट मतलब वो अपोर्शन होगा दोनों में फिर से कह देता हूँ लास्ट टाइम कहता हूँ इसके बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं अपोर्शन आपको नहीं करना है जीएसटी का आपको चुपचाप आई कैलकुलेट करना है और गवर्नमेंट को पे करना ये सब अपोर्शन वगैरह कौन करती है गांव में वो तो उनका मामला है सिर्फ आपके नॉलेज में रखो आपको तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सिंगल रेट से आईजीएसटी निकालना है इज इट क्लियर यस नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इन टू टेरिटरी ऑफ इंडिया हाँ और इन्होंने जैसे मैंने आपको पहले लिखा दिया इंटरस्टेट पांच ट्रांजेक्शन इंटरस्टेट होते हैं कौन से पांच ट्रांजेक्शन एक बार याद दिला दू एलओएस एंड पीओएस एलओएस एस एस एंड पीओएस और एक मिनट इतनी आदत मत लगा लेना कि व्हाट डू मीन बाय एलओएस यार <laughs> ये ये भी आदत लगा रहा ओके नहीं मुझे एक एक इंसिडेंस याद आता है मैं सीए इंटर में था ईयर टू की बात है तो 2002 में जब मैं सीए इंटर में था तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम के हॉल के बाहर आया ओके और मेरे फ्रेंड को पूछा कि अच्छा एग्ज़ाम के पहले वो बड़ा ये था मेरे सेक्शन में बहुत अच्छे से हो गए ये हो गए मेरे को प्रेशर आ रहा है यार मेरे को याद नहीं आ रहे और वो बोल रहा है कि ऐसा हो गया कोई भी सेक्शन पूछ ऐसा कर वैसा कर मैंने कहा भाई साहब बढ़िया है ओके और मेरे को ये पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे पे प्रेशर डाल रहा है या खुद कॉन्फिडेंस ले रहा है ठीक है पर ठीक है भाई साहब बढ़िया है इसकी सेक्शन भी याद है मेरे को तो सिक्शन ही याद ही नहीं आ पा रहे यहाँ पे कुछ लॉ का पेपर होगा मेरे को जहाँ तक याद आता है तो मैंने कहा ये अच्छी बात है और मैं ओके okay, कंटेंट पे कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए वैसा पढ़ के जा रहा हूँ एग्ज़ाम में गए मैंने लिखा बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन यहाँ पे कि भाई पॉइंट वाइज मैनर में फिर बाहर आया तो बाहर आया तो उसने मैंने कहा अरे वो तो आ, वो सेक्शन वाला मुझे तो, बाई चांस टाइम पे सेक्शन भी याद आ गया मैंने फिर नहीं कभी कभी मेरे को बहुत फील होती थी एग्जाम के बाहर निकलने यार हम कितना सोचते हैं ये आ गया वो आ गया वो आ गया नहीं याद आया तो ऐसा वैसा जब एग्जाम में लिखते हैं तब ऑटोमेटिक आ जाता है यार बहुत से बार तो आ जाता है यानी दुनिया भर का टेंशन लेते हैं पता चलता है यार ओके तो एकदम लप बराबर है ता, ता अब ऐसे सिचुएशन में मैं आया मैंने कहा अरे तेरा सेक्शन तो, तो याद हो यार सेक्शन गया लिख के आ गया तो उसने बोल भुल दिया बोले सेक्शन नंबर याद आ रहा था कंटिन्यू याद नहीं आ रहा समझ में तो अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा मैं क्यों बोल रहा हूं ये हम एलोएस पीओ एस एलोएस एस इतना देख लेंगे ना आखिरी में ये सवाल नहीं आ जाना सर व्हाट यू मीन बायोएस एलोएस मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड पीओएस मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन सेम स्टेट सॉरी डिफरेंट स्टेट स्टेट और यूटी वाइस वर्सा डिफरेंट यूटी समझ में आया और मैंने वहीं आपको लिखा के दिया था इंपोर्ट समझ में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो ये कुछ लोग क्या समझते हैं कि इंटर स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट नहीं इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बोला है आर्टिकल आर्टिकल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि इंपोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसे भी इंटरस्टेट माना जाएगा अब इसे माना जाएगा मतलब जब आप गुड्स इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट करते वक्त बेसिक कस्टम ड्यूटी तो देनी पड़ेगी इन एडिशन टू बीसीडी आपको आईजीएसटी भी देना पड़ेगा बीसीडी तो इंडिया की टेरिटरी मतलब इंडिया में आने के चार्जेस है और आईजीएसटी बिजनेस के टैक्सेस है समझ में आया ना तो इम्पोर्ट पे दो टैक्स आते हैं बीसीडी एज वेल एज आई सर फिर इसमें एक्सपोर्ट क्यों नहीं लिखा एक्सपोर्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया एक्सपोर्ट का डिसीजन रखा गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो कंपलसरी एक्सपोर्ट आईजीएसटी में आ जाता था समझ में आया क्या तो एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने डिसीजन रखा गवर्नमेंट के पास और जब मैं आईजीएसटी एक्ट पड़ा होगा तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि एक्सपोर्ट भी आईजीएसटी में आएगा इंटरस्टेट बोला जाएगा सब्जेक्ट टू बेनिफिट

जो भी आईजीएसटी का पैसा स्टेट को बांटा जाएगा वो इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड का पैसा नहीं बोला जाएगा वो उनके टैक्स रेवेन्यू का ही पैसा बोला जाएगा सर समझा दो जैसे जैसे कोई स्टेट में फ्लड आ गया तो फ्लड के वक्त जो स्टेट को पैसा मिलता है सेंट्रल से वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है अरे है ना जो कहां से मिलता है कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है कोई आपदा आ गई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो स्टेट को जो पैसा आता है वो सेंट्रल देती है उस आपदा के केस में कंसोलिडेटेड फंड्स है लेकिन आईजीएसटी का पैसा ये स्टेट के राइट्स रहेंगे स्टेट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे दे दो बाबा आपदा की आईजीएसटी का 50% दे दो अरे आया ना स्टेट ऐसा उनके राइट्स रहे कि वो देना ही पड़ेगा इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया समझ में आया क्या चलो आई होप लाइन बाय लाइन समझ में आया पूरा चलो ये था आर्टिकल 269 ए उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 366 क्वेश्चंस अभी थ्री बिटवीन मत पूछो लोग अच्छा इंपोर्ट के केस में आईजीएसटी कौन पेगा पे जो कौन पे करेगा जो इंपोर्ट करता है जैसे चलो एक प्रैक्टिकल केस लेता हूं कि समझ लो मैंने यहां पे ओके okay, ये कैलकुलेटर इंपोर्ट किया इंपोर्ट की, की प्रोसेस समझ लो इंपोर्ट किए चाइना से चाइना से इंपोर्ट किए तो लैंड हुए मुंबई मुंबई पोर्ट पे मुंबई पोर्ट पे लैंड हुए तो जैसा जे पोर्ट अगर आपको पता होगा तो तो मुंबई पोर्ट पे लैंड हुआ कंसाइनमेंट लैंड हुआ दस हज़ार कैलकुलेटर का दस हज़ार कैलकुलेटर वहाँ लैंड हुआ है लैंड होने के बाद इम्पोर्ट की क्लियरेंस की प्रोसीजर होती है जैसे मुझे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता कभी नाम सुना आपने बिल ऑफ एंट्री अप्लीकेशन फॉर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम्स एरिया जिसे कहते हैं बिल ऑफ एंट्री तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है कि भाई मेरे इतने इतने गुड्स आए इतनी क्वांटिटी आई ये इतनी वैल्यू है और इसका टैक्स कैलकुलेशन मुझे करके देना पड़ता है कस्टम ऑफिसर वो बिल ऑफ एंट्री चेक करता है समझ लो बिल बिल ऑफ ऑफ एंट्री एंट्री आई वो चेक कर रहा है और उसके बाद उस बिल ऑफ एंट्री में आपको खुद ही दो टैक्स कैलकुलेट करने के देने पड़ते हैं बीसीडी एंड आईजीएसटी जिसे कस्टम लैंग्वेज में एसीडी बोला जाता है एडिशनल कस्टम्स समझ में आया ना तो बीसीडी और आईजीएसटी आपको जो है यहां पे कैलकुलेट करना पड़ता है और वो देना पड़ता है और जब तक तुम वो पे नहीं करते हो जब तक इंपोर्टर उसको पे नहीं करता है आईजीएसटी वो क्लियरेंस ऑर्डर नहीं देते है। तो इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में आपके नॉलेज के लिए बता दू आईजीएसटी का पेमेंट इंपोर्टर को ही करना पड़ेगा इज इट क्लियर आई होप डन उसके बाद में आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स डेफिनेशन ऑफ जीएसटी सर्विस एक्सेट्रा हां ये 366 क्यों पढ़ा रहा हूं पूछो अपना आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं पूछो पूछो तो पूछेगा ओके क्यों पढ़ रहे नहीं नहीं क्वेश्चन पूछते दिमाग जागेगा ठीक है क्यों पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 366 में मैं तीन ऐसी डेफिनेशन लेने वाला हूं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है ये डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा जब जीएसटी लॉ बनाया जाएगा अभी तक मैं जीएसटी लॉ में एंटर नहीं हुआ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देख पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है मैंने अभी तक कोई सेक्शन सेक्शन सब क्लॉज सब क्लॉज नहीं पढ़ाया आपको समझ में आया क्या तो जब भी जीएसटी लॉ बनाया जाएगा तो जीएसटी लॉ की सारी डेफिनेशन ये ये जो जो भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है उसके हिसाब से होगी और सिर्फ जीएसटी लॉ नहीं इंडिया के सारे लॉ कोई भी लॉ जहां जहां भी जीएसटी वर्ड यूज होगा फिर वो खुद जीएसटी लॉ में हो या फिर वो फेमा में हो या फिर वो कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कभी भी हो अरे ना जहां जहां भी यहां पे जीएसटी वर्ड यूज किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जीएसटी का मीनिंग ये लिया जाएगा ये समझ में आया क्या इतनी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर ऑल लॉज क्योंकि सारे लॉस का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन है समझ में आया क्या तो अब वो क्या कहते हैं देखो जब जब भी पूरे इंडिया में जीएसटी वर्ड यूज होगा उस जीएसटी को ऐसे ही मीनिंग में लिया जाएगा पहला मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस और बोथ तो सबसे पहले जीएसटी जो टैक्स है वो सेल नहीं वो मैन्युफैक्चर नहीं वो सप्लाई पे होगा इमीजिएट आपके दिमाग में क्वेश्चन पॉप अप होता है सर व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई रुक जाओ आगे आगे देखो समझ में आया क्या तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स होगा जो सप्लाई ऑफ गुड्स पे और सर्विसेज और बोथ मतलब इंडिया के सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला एक टैक्स जिसका नाम होगा जीएसटी हाँ ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंसम्शन ओके कल कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अल्कोहल कहां छुपा हुआ है अल्कोहल कहां छुपा है वो इस डेफिनेशन में छुपा हुआ है ओके okay. तो यहां नहीं नहीं आ, कहां से ये सवाल आया अल्कोहल पीने से नहीं नालायक ओके okay. कहा से ये सवाल आया ओके okay. वो सवाल आया टैक्सेस नॉट सबस्यूम इन जीएसटी तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉपअप हुआ टैक्सेस नॉट सबस जीएसटी में एक लिखा हुआ है petroleum product. Petroleum product का तो क्लियर हो गया अरे कुछ याद आए क्या वो तो क्लियर हो गया क्योंकि जब जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन आएगा तब देखेंगे तब तक तो एक्साइज ही लगेगा अरे यस नाउ सर पर अल्कोहल का क्या अल्कोहल यहां छुपा हुआ है वो कहते हैं कि सारे गुड्स और सर्विसेस में टैक्स लगाने की पावर है डेफिनेशन में कहते एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर और वो अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। सर फिर दूसरी कौन सी लीकर होती है एक होती है स्पिरिट जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन का होता है ओके सैनिटाइजर इंडस्ट्रियल कंजम्पन उसको स्पिरिट और एक होता है ह्यूमन तो एक्सेप्शन क्या सारे अल्कोहल है या जो ह्यूमन कंजम्पशन वाला है जो ह्यूमन कंजम्पशन वाला है वो उन्होंने एक्सेप्शन में डाला ओके okay, उठा दो बेटा कोई सोया है हा तो चलिए अब ये ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो उन्होंने डाला हुआ है पहला सवाल इसलिए समझो इसका मजा आएगा आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग था अब देखिए क्या हुआ 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ अच्छा आ, 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे है है ना 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त चलो थैंक यू इतना तो भी पता है आपको तो फिफ्टी अगस्त हमको इंडिपेंडेंस मिला और 1949 में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बनाया लेकिन उसको पास किया 26 जनवरी 1950 को ठीक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 26 जनवरी 1950 को इसलिए उसको रिपब्लिकन डे कहा जाता है ठीक है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्होंने एक्साइज का पावर पूरा एक्साइज टैक्स कलेक्शन वगैरह ये पावर सेंट्रल को दिया था कि भाई रेवेन्यू भी सेंट्रल का होगा कोई बटेगा नहीं सेल्स टैक्स का रेवेन्यू हम स्टेट को देते हैं और एक्साइज का रेवेन्यू हम सेंट्रल को देते हैं ठीक है ऐसा डिवाइड कर दिया था उन्होंने तो इंडिया के सारे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज लगती थी उसका रेवेन्यू सेंट्रल को ही मिलता था नाउ उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे लेकिन तब उन्होंने एक बात करके रखी थी वो थी कुछ मेन गुड्स के एक्साइज के रेवेन्यू स्टेट को दिए थे जो मेन गुड्स था जिसके ऊपर अच्छा रेवेन्यू हो सकता है क्योंकि ऑल गुड्स पे तो किसको दे दिया था उन्होंने ऑल गुड्स सेंट्रल को लेकिन कुछ गुड्स जैसे अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पन दूसरा ओपीएम नार्कोटिक्स ओके इंडियन हेम एक्सेट्रा ये क्या रहता है चरस गांजा वगैरह ओके okay, चरस गांजा वगैरह ओके इन okay, ये दो कैटेगरी ऑफ गुड्स पे सुनना ये दो कैटेगरी ऑफ गुड्स पे इनके प्रोडक्शन के लाइसेंस स्टेट को दिए थे मतलब कोई अगर इसको प्रोड्यूस करना पड़, करेगा तो लाइसेंस में करना पड़ेगा और वो लाइसेंस उसका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट करेगा अल्कोहल साथ साथ में वगैरह सर ये तो से नहीं इनके है नीन, नीन की गोली में होता है अरे अलाउड है पर रिस्ट्रिक्शन में है मेडिसिन के लिए या कोई स्पेसिफाइड परपज के लिए अलाउड है तो इन इनका जो प्रोडक्शन होगा या मैन्युफैक्चरिंग होगा उस प्रोडक्शन पे एक्साइज एक्साइज का, एक का रेवेन्यू सेंट्रल का नहीं था उस पर एक्साइज का रेवेन्यू स्टेट का था स्टेट एक्साइज लगती थी इसलिए आपके अवेयरनेस में ये चीज कैसी आती है बताता हूं आपके अवेयरनेस में ये चीज आती है गोवा में यार सस्ता मिलता है वाइन, महाराष्ट्र में महंगा मिलता है ये सस्ता महंगा टैक्स के वजह से एक्साइज के वजह से गोवा में गोवा गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी कम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है गोवा में अल्कोहल की लाइसेंस फीस कम है महाराष्ट्र में ज्यादा है समझ में आया क्या तो ऐसे पर आपके अवेयरनेस में ये बैकग्राउंड से नहीं आता आपके अवेयरनेस में सिर्फ सस्ता महंगा आता है समझ में आया क्या तो इन शॉर्ट ये स्टेट के हाथ में था कितना एक्साइज लगाए कितना नहीं लगाए रेवेन्यू भी स्टेट का ही था रेवेन्यू भी स्टेट। ये दो कैटेगरी छोड़कर बाकी सारे गुड्स पे 2017 के पहले 2017 के पहले एक्साइज लगाने का पावर किसके पास था सेंट्रल के बैकग्राउंड हिस्ट्री समझी चलिए अब तो कोई मैन्युफैक्चरर विजय माल्या गया बिचारा पर ठीक है ओके तो बिचारा नहीं बोलूंगा बिचारा नहीं बोलूंगा गलत हो गई गलत हो तो किंग फिशर तो किंग फिशर वाइन कोई मैन्युफैक्चरर किंग फिशर वाइन बना रहा है ओके okay, वाइन बना रहा है यहां पे या फिर नासिक में सुला वाइन ठीक है तो यहां पे नाला ध्यान दो नहीं तो अब ये मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहा है तो ये मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफेक्चर से डिस्ट्रीब्यूटर सुला वाइन का ओके okay, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर ये वाइन की बॉटल चल रही है इन तक तो दो मिनट के लिए अज्यूम करते हैं बिफोर 2017 अरे सेवेंटीन ना दो दो हजार सत्रह के पहले पहले स्टेज पे प्रोडक्शन हुआ पहले स्टेज पे प्रोडक्शन हुआ तो वहां दो टैक्स लगते थे एक्साइज और दूसरा क्या सेल्स टैक्स ठीक है एक्साइज और सेल्स टैक्स जिसे वैट का आ जाता था समझ में और यहां एक्साइज का रेवेन्यू भी स्टेट का था और सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी स्टेट का था अगर ये अल्कोहल नहीं होता तो एक्साइज का रेवेन्यू सेंट्रल पर स्पेसिफिकली अल्कोहल ओपीएम नार्कोटिक्स में एक्साइज एक्साइज का रेवेन्यू भी सेंट्रल सॉरी एक्साइज का रेवेन्यू स्टेट का था और सेल्स टैक्स का रेवेन्यू भी स्टेट का था और आगे तो इसके आगे तो सेल्स टैक्स ही लगेगा ना अरे है ना तो सेल्स टैक्स इसके आगे क्यों क्योंकि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है तो इसके आगे एंड तक जब तक गुड्स आगे नहीं आ जा रहा है सेल्स सेल्स टैक्स टैक्स ही लग रहा है यस और नो तक ही। वो सारा स्टेट लेता था तो स्टेट बहुत खुश था कि स्टार्ट से लेके एंड तक बस हमारा ही हमारा इसमें कोई नहीं लेगा बस हम ही लेंगे टैक्स समझ में आ रहा इसमें ऑके okay, हम ही ले बाकी कोई नहीं लेगा टैक्स इज इट क्लियर स्टेट बहुत खुश था सेंट्रल देख रहा था यहां ये रियल रियल गेम था इसमें सुनो और ये रियल था मुझे याद है तो यहां सेंट्रल देख रहा था कि यार स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेट ही ले रहा है टैक्स समझ में आ रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक इवन एक्साइज भी स्टेट ले रहा है एंड तक स्टेट ही ले रहा है और सेंट्रल बिचारा यानी इमेजिन करो दो लोग बैठे हैं वाइन की ग्लास है तीन चार ग्लास पड़ी है सेंट्रल बिचारा देख रहा है ठीक है सेंट्रल विचारा देख रहा है अरे है ना और स्टेट एक ग्लास दो ग्लास मतलब एक क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर और सेंट्रल कह रहा है पूरे सारे क्वार्टर मजा आ गया अरे ना सेंट्रल कह मजा आ मजा सॉरी सेंट्रल स्टेट कह रहा है मजा आ गया और सेंट्रल बेचारा सेंट्रल कह रहा है एक थोड़ा मैं मैं सोच आ गया सोच तुमको कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा तो मेरे कुछ मिलेगा अरे है ना क्यों क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है आने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब लॉ बनाया था समझ आया क्या? तब तो हमारे पास ये रेवेन्यू पहले हमारा था हमारा है ठीक है तो अब आज हमारे सभी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटी में सब फाइनेंस मिनिस्टर बैठे सेंट्रल वालों ने अपनी सेंट्रल वालों ने अपनी चाल चली जीएसटी की इस कमिटी में एक प्रपोजल रखा आई प्रपोज की अल्कोहल जीएसटी के स्कोप में लाया जाए अब सेंट्रल वालों ने अपनी चाल क्यों चली अपनी चाल क्यों चली क्योंकि जीएसटी में आया कि वो ड्यूएल में डिवाइड होता में कैसे? फिफ्टी तेरा फिफ्टी मेरा सेंट्रल वालों को लगा कि जीएसटी में लाएंगे जीएसटी में लाएंगे और अब हम भी फिफ्टी फिफ्टी मस्त ओके <laughs> okay. मस्त ओके okay. अब अब खेलने में मजा आएगा ठीक है तो जहां तक देखा जाए तो फिफ्टी फिफ्टी लिया जाएगा अरे समझा कि नहीं समझा स्टेट वालों ने कहा <coughs> okay, स्टेट वालों ने कहा देखो हम इस मीटिंग में बैठेंगे हा? हम इस मीटिंग में बैठेंगे लेकिन अल्कोहल में बात नहीं होगी सो जाएगा लेकिन क्या अल्कोहल में बात नहीं होगी अगर सेंट्रल वाले अल्कोहल पे टैक्स लेंगे तो सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर बोलो हम वॉकआउट कर लेंगे <laughs> अरे अरे आ रहा हम वॉकआउट कर लेंगे तो जहां तक अब बहुत बड़ा रेवेन्यू था जो मजा था पीने का बहुत ज्यादा था क्योंकि रेवेन्यू हैवी रेवेन्यू मिल रहा था अरे है ना सारे स्टेट ने कहा यस यस की बात नहीं होगी स्टेट सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा अरे देखो आप ऐसा मत सोचो कितना मजा आता है आप ये सोचो कि जीएसटी में आएगा एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा <laughs> <laughs> <Okay>, नहीं चलेगा <laughs> अरे समझ में आया क्या नहीं जलेगा नहीं माने स्टेट अल्कोहल पे और स्टेट वालों ने सब ने कहा ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में लिख के दो समझ में आ रहा है तो हम जीएसटी की बात करेंगे आगे नहीं तो जीएसटी की एक भी मीटिंग नहीं होगी समझ में आया क्या कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन में लिख के दोगे अल्कोहल को टच नहीं करोगे आप अल्कोहल पहले भी हमारा था हमारा है और हमारा ही रहेगा समझ आए क्या तो जहां तक है एट लास्ट सेंट्रल मांगी जाने दे भाई, <laughs> तो ऐसे केस में अल्कोहल ये आ, इसका बैकग्राउंड ये था आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स ट्वेल्व ए सुनो बैकग्राउंड ये था कि अल्कोहल जो है ये लिखवाया गया डेफिनेशन में कि जब जब भी इंडिया में जीएसटी की बात होगी तब तब सारे गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स का नाम जीएसटी होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो सारे स्टेट फाइनेंस में मजा आ गया okay, मजा आ गया ये ना डेफिनेशन समझा नहीं समझा तो इन सिंपल वर्ड हां अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इधर ध्यान दो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं है अगर नहीं है तो फिर कौन से टैक्सेस है जो पुराने जो पुराने कौन से स्टेट एक्साइज और वैट एक्सेट्रा सर पर बात ये सिर्फ अल्कोहल की हुई क्या हाँ ओपीएम वगैरह की नहीं मेन डिस्कशन था किसका अल्कोहल का तो फिर सर ओपीएम का क्या हुआ तो ओपीएम का बताता हूं दो मिनट बताता हूँ यहां तक समझा आपको ना तो अल्कोहल भी फॉर जीएसटी पर्पज आई रिपीट अल्कोहल भी फॉर जीएसटी पर्पज नॉन टैक्सेबल सप्लाई माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर एग्जिस्टिंग सेक्सेस है जीएसटी के लिए नॉन टैक्सेबल है मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट पांच देखें वो भी नॉन टैक्सेबल है अंडर जीएसटी और अल्कोहल भी नॉन टैक्सेबल है अंडर जीएसटी दोनों में डिफरेंस क्या है माइक प्लीज माइक देना या उधर कोई रेडियो उधर उधर लेके जाओ माइक एकदम वो साइड में। ओके। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट बताइए प्लीज। हेलो। हाँ आ, सर। हाँ। सर आ, पहले वालों में उनमें टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट बाद में। हाँ। मतलब उसमें आ,

पर अल्कोहल पे तो कभी नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ना हो अल्कोहल का डिसीजन जीएसटी काउंसिल के पास नहीं है अल्कोहल पर लाना हो जीएसटी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा अरे है ना इतनी ताकत से अल्कोहल को रखा उन्होंने एक्सेप्शन में आई होप यू अंडरस्टूड चलो ग्रेट बेटा चलो यहां पे समझे दोनों पर वो जाने दो अब एज अ स्टूडेंट हमने क्या याद रखना तो अब आपके लिस्ट में छह प्रोडक्ट डाल दो जो नॉन टैक्सेबल है कौन से छह प्रोडक्ट पांच पेट्रोलियम और एक अल्क एक अल्कली तो इसके आगे मैं जब भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहूं कि छह प्रोडक्ट पॉपअप होने चाहिए ओके। okay. उसके बाद में सर्विस का डेफिनेशन ये सर्विस की डेफिनेशन तो भाई साहब इन्होंने इतनी जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी ओके okay, सर्विस मतलब क्या सर्विस मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स इसका भी बैकग्राउंड हिस्ट्री ठीक है थोड़ा समझो सर्विसेज मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स ये कहां से ये दिमाग में आया उनके अब देखो सर्विस टैक्स लॉ था तो सर्विस की डेफिनेशन पे उन्होंने बहुत डिस्कशन हुए मुझे पता है 1994 से सर्विस टैक्स आया हमारे सीए के सिलेबस में 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ मैं पहला आइटम दे रहा था सर्विस टैक्स में ओके okay, सिलेबस में 2002 में और मैं अवेरू सर्विस टैक्स से 2002 से लेके तो 2017 तक तो 2002 से 17 तक क्या क्या चैलेंजेस आए सर्विस टैक्स में मुझे पता है तो यहां पे क्या हुआ था सर्विस टैक्स लॉ में सर्विसेज पे बहुत डिस्कशन हुआ बहुत डिस्कशन हुआ कि भाई सर्विस यानी क्या एक तो मुझे केस याद है बस छोटा सा दो मिनट का डिस्कशन होगा फिर आगे बढ़ते रेंटिंग रीट पिटिशन हाईकोर्ट में फाइल हुआ था कि रेंटिंग सर्विस ही नहीं है क्योंकि सर्विस में जनरली क्या होता है किस बात पे लड़ेगी कि सर्विस मतलब समथिंग स्किल इन्वॉल्व कुछ स्किल इन्वॉल्व है ओके okay, और उसके बाद में अनादर पर्सन गेटिंग सम बेनिफिट जिसके लिए वो पे करने के रेडी है जैसा आपका मेरा एग्जाम्पल लो सर्विस का पहला बेसिक नेचर इज इंटेंशिबल इन मोस्ट ऑफ द केस अरे आया ना जैसा आपका मेरा आप यहां पे मेरे सामने ऑनलाइन या फेस टू फेस बैठे हो आप कोई यहां पे मेरे को देखने के लिए नहीं बैठा ओके okay. मेरी आवाज में जो स्किल है मेरी वेव्स में जो स्किल है अरे आया ना मेरी साउंड में जो स्किल एक्सपर्टीज है जैसे ही वो साउंड आपके कान पे पड़ती है और आपको वो नॉलेज मिलता है यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट नॉलेज एंड फॉर दैट यू आर रेडी टू पे यस और नो तो ऐसे केस में बहुत डिस्कशन हुआ सर्विस टैक्स में कि भाई रेंटिंग में क्या स्किल है प्रॉपर्टी रेंट पे क्या स्किल है उसके अंदर कौन सी एक्सपिटीज इन्वॉल्व है तो ऐसे बहुत झगड़े हुए अलग अलग मैटर पे सर्विस टैक्स में जीएसटी जब लाया गया तो बहुत कॉन्शियसली लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन डाल दी और डेफिनेशन इतनी वाइडर स्कोप में डाल दी कि झगड़ा ही नहीं चाहिए डेफिनेशन के वर्डिंग्स पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन डाल दी। सर्विसेस एनीथिंग अदर देन गुड्स गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के बाकी सारी सर्विसेस सर अब बताओ ना इसका मतलब क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का सप्लाई नहीं क्योंकि गुड्स का सप्लाई तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स में आएगा जिसपे जीएसटी आएगा अरे और आए गुड्स ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें गुड्स नहीं जैसे रेंटिंग सर्विस झगड़ा नहीं चाहिए क्या एक्सपर्टीज है क्या नहीं है ये समझ में आया बाकी सर्विस पे हमारा डेढ़ घंटे का डिस्कशन आगे आएगा अंडर द चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मैं लगभग मोर देन फिफ्टी एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि जीएसटी का स्कोप क्या है फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेस चलो ठीक है ये, ये समझा गया आपको नेक्स्ट स्टेट हम जब स्टेट बात करेंगे स्टेट विध रेफरेंस टू आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एट टू सिक्स टू 279 टू सेवेंटी इंक्लूस यूनियन टेरिटरी विथ क्या लेर यूनियन टेरिटरी विथ लेचर अब थोड़ा इस बात को समझ लो और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर आपको अगर आपके नोटबुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें अगर ये चार्ट बनाना हो तो बना सकते हो डायरी में नहीं मैंने क्या कहा नोटबुक में ओके क्रॉस रेफरेंस पेज डालना हो तो डाल सकते हो अब देखो बेटा स्टेट का वो कहना क्या चाहते यहां पे हाँ गुड्स यानी क्या और सर्विस याने क्या इसका डेफिनेशन हम जो है आगे चैप्टर टू सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई उसमें डेढ़ से दो घंटे का डिस्कशन है थोड़ा पेशेंस रखना मैं लूंगा थोड़ा पेशेंस रखना मैं लूँगा देखे। अब देखे यहां पे थोड़ा यहां से स्टार्ट करता हूं जब इंडिपेंडेंस मिला तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो जो भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जाते जाते जब गई तो डिवाइड रूल पे ही डिवाइड करके गई यहां हमने मांगा था कि हमें जितना भी कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का है जो एरिया पे वो एज अ सिंगल इंडिया कंसोलेटेड इंडिया यूनाइटेड इंडिया हमें दे दो एडमिनिस्ट्रेशन उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम ने कोई एक साथ पूरा इंडिया जीता नहीं हमने हर राजा को हराया अरे है ना और ये इंडिया जीता तो हम जो है यहां पे जब जाएंगे तो वो राजा का कोई एंसेस्टर या फिर कोई यहाँ पे लीगल हेयर होगा उनको ही दे के जाएंगे समझ में आया कि नहीं आया और कोई किसी का अगर लीगल हेयर नहीं है तो वो पार्ट हम एज ए इंडिया देखे जाएंगे यानी डिवाइड रूल पर वो यहां से गए डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये यहां पे डिक्लेयर किया कि हम पूरा एक साथ नहीं दे रहे हम उन राजाओं की ही फैमिली को दे रहे जिन राजाओं से हमने जीता था तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अनाउंस कर दिया क्योंकि आर्मी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को मिल चुकी थी मतलब जो गवर्नमेंट बनने वाली थी तब कांग्रेस कमेटी थी अरे समझ में आया क्या तो आर्मी हमारे कंट्रोल में आ चुकी थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह अनाउंस कर दिया कि यहाँ पे सुनना जो जो राजाओं को उनके राइट्स मिले ब्रिटिश गवर्नमेंट से हाँ वो सारा अपना एरिया मर्ज करे इन कंसोलेटेड सिंगल इंडिया अंडर वन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अरे आया ना वन यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया मैक्सिमम राजाओं ने मर्ज कर दिया सिर्फ दो नहीं रेडी हुए जम्मू एंड कश्मीर से के जो किंग थे और दूसरा हैदराबाद के नवाब निजाम ओके okay, वो रेडी नहीं हुए बाकी सब ने फटाफट पड़ मर्ज कर दिया ओके okay, कौन फाइट करेगा और वैसे भी वो ओके okay, हाँ ये उनके राइट्स प्रोटेक्ट करके कि भाई तुमको पहले से तुमको ही मिलेगा जैसे आज राजस्थान का देखते हो अरे आए ना तुम तुम्हारे राइट्स तुमको मिलेंगे तुमको राजा ही जैसी ट्रीटमेंट करेगी पर एरिया मर्च कर दो किस में इंडिया में फिर वो नबाब से हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनसे भी फिर हमने शिफ्ट करवा लिया जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल थ्री सेवेंटी साइन करके मर्च करवा दिया कुछ याद आ रहा है आपको जो भी है मेरा उससे कंसर्न नहीं मुझे क्या समझाना है मुझे ये समझाना है कि ये जो सारे स्टेट है ये सार इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एमपी, यूपी राजस्थान वगैरह ये सब यूनियन टेरिटरी है ये अलग अलग टेरिटरी यूनाइटेड है ये अलग अलग टेरिटरी यूनाइटेड बेसिकली सब यूटी है जो सारी टेरिटरी यूनाइट हुए इंडिया में अरे है ना तो बेसिकली यूनियन ऑफ इंडिया ये सारी यूटीज है पर जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेश समझ में आया क्या जो यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या विधानसभा उसे नाम दिया गया है स्टेट में आया क्या उसे नाम दिया गया है स्टेट और जो यूटी में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है उसको नाम दिया गया है यूटी एक मिनट एक बार फिर से बताओ सारे स्टेट यूटी है सारे स्टेट यूटी है पर जहां स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट और जहां स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है जहां डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है सेंट्रल वो यूटी अब वो क्यों नहीं चंडीगढ़ का अपना रीजन है अंदमान निकोबर का अपना रीजन है दीव दमन उसका अपना रीजन है समझ में आया क्या पर जो मर्ज नहीं हुआ सॉरी जो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वो यूटी है। और इंडिया में कुछ ऐसी एरिया भी है जो पार्टली यूटी पार्टली स्टेट है डेली तो में आया क्या क्योंकि दिल्ली में आप गवर्नमेंट है स्टेट लेजिस्लेचर है पर उसका आवर कॉन्स्टिट्यूशन से डिजाइन ही ऐसा है कुछ पावर सेंट्रल के पास पुलिस की जैसे महाराष्ट्र पुलिस की पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ही है पर दिल्ली पुलिस की पावर सेंट्रल के पास तो कुछ पावर सेंट्रल के पास और कुछ पावर स्टेट के पास तो वो पार्टली यूटी बोला जाता है वो क्या बोला जाता है पार्टली यूटी तो ये चार्ट हमें क्या सिखाएगा आपने अगर यहां पे स्टेट की डेफिनेशन देखो देखो स्टेट मतलब कौन स्टेट मतलब वो यूनियन टेरिटरी समझ में आया क्या वो यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट लेजिस्लेचर तो अब ऐसे केस में ओके जहां तक देखा जाए ऐसे ट्वेंटी एट यूटीज है इंडिया में जहां विधानसभा है इसलिए टोटल कितने हैं ट्वेंटी एट स्टेट ओके दूसरा पांच ऐसी यूटी है जहां कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नर डायरेक्टली गवर्न बाय गवर्नर वो पांच यूटी है ओके okay, जिसमें चंडीगढ़ आ गया अंदमान निकोबर आ गया दीव दमन आ गया अरे है हाँ ना और नेक्स्ट ऐसी तीन एरिया है दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर समझ में आया ना लद्दाख नहीं कहा मैंने क्या कहा जम्मू एंड कश्मीर तीन ऐसे एरिया है जहां लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर भी है और पार्टली यूनियन टेरिटरी भी है तो अब सवाल ये है कि सर जो पार्ट पार्ट है उनका क्या तो जो पार्ट पार्ट है वो जीएसटी में स्टेट माना जाएगा जो पार्ट पार्ट है वो जीएसटी में स्टेट माना जाएगा सर ये मानने से फर्क क्या पड़ने वाला है फर्क पड़ने वाला है बेटा अगर आपने उसको स्टेट मान लिया तो वहां एस जीएसटी लगेगा और अगर आपने वो क्या यूटी मान लिया तो वहां यूटी जीएसटी लगेगा ये समझा कि नहीं समझा तो एक मिनट एक मिनट ट्वेंटी तो क्लियरली स्टेट है समझ में आया ना पांच क्लियरली यूटी है और जहां पार्ट पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कौन से तीन स्टेट ये लर्न करना पड़ेगा फॉर एमसीक्यू क्या दिल्ली पुडुचेरी पुडुचेरी मतलब फाउंडेशन पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर जहां स्टेट लेजिस्लेचर है वहां की ओके स्टेट गवर्नमेंट होती है पर पार्टली होती है समझ में आया क्या तो वो केस में यहाँ जो है तीन स्टेट्स जो है ये तीन पार्टली यूटी जीएसटी कॉन्टेक्स्ट में स्टेट मानी जाएगी तो एक सवाल ऐसा भी आ सकता है बहुत बेसिक पे कि दिल्ली में कौन से इंट्रास्टेट टैक्स लगते हैं नहीं दिल्ली दिल्ली में देली में यूटी जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि जीएसटी के लिए वो स्टेट माने जाएंगे ये चार्ट समझ में आया चलो आपको ये बनाना है तो बना लो मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं इट फास्ट लिखते वक्त पूरा ध्यान देना बना लो बना लो चलो 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 डोंट वेस्ट योर टाइम हो गया क्या आपका क्यों, बना क्यों नहीं रहा है हो गया then fast fast आ? नहीं यूटीजीएसटी का लेजर अकाउंट सेंट्रल का बनता है क्योंकि उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है स्टेट नहीं सेंट्रल एडमिनिस्टर कर रही है सेंट्रल का लेजर रेवेन्यू लेजर सेंट्रल का बनता है यूटीजीएसटी का नहीं नहीं यूटी जी एस टी वाइज बनता है वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट वर्ड नहीं कर सकते उसका यूज ठीक है नहीं पर उसको स्टेट नहीं बोल सकते ना उसको यूटी बोलना पड़ेगा क्योंकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से मना है यूटी को स्टेट बोलना तुम्हारे स्टूडेंट कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक है गवर्नमेंट नहीं कर सकते ऐसा बोलने में बोलने में ही फर्क है बाकी जैसा सब स्टेट जैसा ही है जहां एस जीएसटी के लॉ है वहां सेम यूटी जीएसटी के लॉ है ठीक है चलो डन हाँ नहीं 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 मैं रुकने वाला नहीं हूं तुम्हारी अगर स्पीड नहीं है तो मेरे पास टाइम नहीं है ठीक है और एक एक वर्ड ऐसे देख के लिखना क्या गलत है नहीं है पूरा पढ़ के लिखो ना तो आपका लर्न भी होता है एक वर्ड देखते हो लिखते हो पूरा स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले तो बेस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल से अगर रह गया तो तुम्हारे पास रहेगा ठीक है और मैं दो दिन बिजी था लेकिन आज जितना भी हमने लिखा है ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में सब स्क्रीनशॉट डाल दूंगा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और चैप्टर होने के बाद उसका पीडीएफ आपके लॉगिन में आएगा चैप्टर होने के बाद हैंड रिटर्न पीडीएफ चलो यहां पे ये था यूनियन टेरिटरी जो हमने यहां डिस्कस किया चलिए बेटा तो टोटल तो अब अब मुझे बताओ एच जीएसटी लॉ ध्यान से सुनो एच जीएसटी लॉ कॉमन सेंस से बताओ कितने स्टेट में एच जी एस टी लॉ है हा थर्टी वन कौन से ट्वेंटी एट प्लस थ्री ट्वेंटी एट प्लस थ्री हाईलाइट करना है आपके लिए बहुत जरूरी दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर में एस जीएसटी लॉ अपीकेबल होगा ओके okay. यहां एस जीएसटी अप्लाई होगा अच्छा मुझे बताओ कितने यूटी में यूटी जीएसटी लॉ है पांच वो यूटी को हाईलाइट कर लो अंदमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली लद्दाख एंड चंडीगढ़ यूटी पांच यूटी बता दी मैंने कौन सी पांच यूटी है जहां कौन सा लॉ अपलीकेबल होता है यूटी जीएसटी एस जीएसटी नहीं अप्लीकेबल होता है चलो तो ये था रिगार्डिंग टू यहां ठीक है अब यह डिस्कशन वेरी 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 वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट यह डिस्कशन मैं चार स्टेप में पढ़ोगा। स्टेप नंबर वन ध्यान से सुनिएगा हम पढ़ेंगे और यहां कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे अंडरलाइन करेंगे स्टेप नंबर टू लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा क्यों ऐसा किया स्टेप नंबर थ्री समझ तो जाएगा पर याद कैसे रखना कंफ्यूजन होगा तो वो केस में हम बनाएंगे चार्ट जो आपको इजी करेगा और स्टेप नंबर फोर आज आपको घर पे दो बार रीड करके आना है समझ में आया क्या तब जाके ये टेबल हमारा कंप्लीट होगा आर यू रेडी चलिए तो अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं ध्यान से समझो वो देखो क्या कहते हैं स्पेशल केसेस टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेस अगर आपका प्रोडक्ट मैं नाम ही दे रहा हूं क्या बेटा स्पेशल केसेस अगर आपका प्रोडक्ट टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट है टोबैको है ओके okay. या फिर टोबैको प्रोडक्ट है मतलब सिगरेट सिगार बीड़ी समझ में आ रहा है या फिर गुटखा तो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट होगा तो वो केस में आज करंट स्टेटस क्या है टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी पहले तो इसको हाईलाइट करो ओके टोबैको विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी क्योंकि हमारे सामने सिर्फ छह गुड्स आए जो जीएसटी के स्कोप में नहीं है बताओ कौन से छह गुड्स जीएसटी के स्कोप में नहीं है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पांच और अल्कोहल इसके अलावा सारे गुड्स पे जीएसटी है इसके अलावा तो मेरे साथ एक बार बोलो सिक्स गुड्स छोड़ के बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी है ओके okay, बाकी सारे गुड्स पे जीएसटी तो आपका अगर सवाल होगा टोबैको टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या जीएसटी हाँ ट्वेंटी एट परसेंट का है प्लस उस पर जीएसटी सेस भी कंपेन्सेशन से समझे तो टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी मतलब इट इज अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी जीएसटी ऑन टोबैको हाउ आगे देखो क्या है यूनियन गवर्नमेंट हैज रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो रिटेन पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज ऑन टोबैको टोबैको प्रोडक्ट मैन्यूफैक्चरिंग इन इंडिया मतलब क्या इंडियन गवर्नमेंट ने टोबैको पे रिलेटेड जीएसटी तो ठीक है जीएसटी में आ गया होगा लेकिन टोबैको पे एक्साइज आज भी कंटिन्यू रखी है टोबैको पे एक्साइज आज भी कंटिन्यू रखी है और ये स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन में ली है स्टेट वालों ने कहा आपने टोबैको पे एक्साइज आज भी रखा है अरे आया ना सेंट्रल वालों ने कहा एक मिनट बीस मिनट पहले हमने अल्कोहल पे कुछ लिया था क्या तुमने अलग करवाया ना अल्कोहल अल्कोहल तेरा तो मेरा। और टोबैको पे तो जीएसटी है भी ओके यार स्टेट वाले चिल्ला मत ओके तुमने अल्कोहल पे तो हमें कुछ भी नहीं दिया है हम तो एक साइज रख रहे टोबैको पे प्लस जीएसटी लगा के जीएसटी का फिफ्टी भी दे रहे तेरे को ज्यादा चिल्ला मत <coughs> स्टेट वालों का ठीक है हम हालकोल में ठीक है आगे <laughs> okay, समझ में आया क्या मतलब इन शॉर्ट टोबैको का स्टेटस कैसा पता है बताए क्या टोबैको पे जीएसटी भी है और जीएसटी में फिफ्टी फिफ्टी समझ में आया क्या प्लस एक्साइज भी है अब कोई यहां पे सोच रहा होगा सर टोबैको पे ऐसे दो क्यों लगा रखे हैं भाई साहब किसको पैर है किसको पैर कुछ गुट्स ऐसे है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत बहुत यहां पे उसका कंजम्पशन बहुत ताकत से डोमिनेट करना चाहती है बहुत ताकत से और उसमें है टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स बैन नहीं करेगी पर ताकत से डोमिनेट करेगी ठीक है अब जो भी टोबैको लेना चाहता है या सिगरेट फूकना चाहता है वो हेवी टैक्स के साथ फूके समझ में आया हेवी टैक्स के साथ फूके मतलब भाई साहब आपको बता दू टोबैको प्रोडक्ट के पर एक्साइज भी लगा के रखा है जीएसटी लगा के रखा है और जीएसटी कंपेंसेशन यानी उसका जो धुआं उड़ता है ना वो धुएं में सब बोलते मैं एक्साइज हूं अरे मैं जीएसटी हूं और जीएसटी कंपेंसेशन से हूं इसके बाद भी किसको अगर फूकना है तो फूको अरे समझे क्या तो मेरे हिसाब से आपको अब क्लियरली समझ में आया गया इसलिए कोई यह ना पूछे और मेरे पास बिल्कुल ना है क्यों मतलब कोई अगर पर सर आपको नहीं लगता कि इतने डबल टैक्सेशन हेवी टैक्सेशन टोबैको पे लगाए गलत है मैं इस, मैं उसको ऐसा फूकूंगा फूक ओके यहां पे जो है मैं ये एग्जाम्पल एंटरटेन नहीं गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इस पे क्या टैक्स लगाया ठीक है क्लियर तो अगर सर सर प्रैक्टिकली बताओ कैसे होगा प्रैक्टिकली ऐसे होगा कि समझ लो ये वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी है कंपनी है और जो सिगरेट बनाती है टोबैको बनाती है गुटका बनाती है मानिकचंद गुटका गोवा गुटका अरे तो ऐसे केस में तो जहां तक देखा जाए फैक्ट्री से जब निकलेगा अच्छा एक्साइज कोस किस पे आता है बेटा नहीं, नहीं नहीं क्लास कंट्रोल में लो क्लास कंट्रोल में लो तुमको पिछले तीन महीने से क्लास आउट ऑफ द कंट्रोल की आदत लगी है ठीक है <laughs> इमीजिएट कंट्रोल में लो तो मुझे ये बताओ यहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे क्या लगेगा एक्साइज समझ लो वैल्यू ऑफ द टोबैको या प्राइस यहां लिखो वहां डायग्राम में प्राइस टोबैको की प्राइस जो है वो दो लाख रुपए है ठीक है कंसाइनमेंट निकला ओके okay, और वो जा रहा है होलसेलर के पास इसके ऊपर सबसे पहला टैक्स तो लग जाएगा कौन सा एक्साइज एक्साइज लग जाएगा एक्साइज समझ लो उसके ऊपर ट्वेंटी परसेंट है एक्साइज यहां ई एक्स का मतलब एक्साइज ना और एक्साइज ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ट्वेंटी परसेंट निकाल लो कितना आ रहा है फोर्टी थाउजेंड टोटल करो टू लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा जीएसटी <coughs> तो इसके ऊपर सी जीएसटी फोर्टीन परसेंट और एस जी एस टी फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट समझा गया आपका ट्वेंटी एट का रेट है इसको फोर्टीन फोर्टीन है ओके okay, तो ये बेटा तू क्यों नहीं लिख रहा है तू क्यों नहीं लिख रहा है क्या आदमी आ रही है सड़अप आधी घंटा खड़ा के लिखेगा सीजीएसटी फोर्टीन परसेंट मैं सरप्राइज एकदम बिल्कुल शिंगम खराब बैठा यूजलेस यूजलेस बिल्कुल टोटल टोटल प्राइस निकालो क्या है तो? अच्छा ये तुम्हारा इनवाइस है इनवाइस इमेजिन करो तो उस इनवाइस में एक्साइज भी, भी दिखेगा जीएसटी भी दिखेगा समझ में आया क्या तो थ्री लैक्स सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री लैक्स सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है अब यहां पे ये इस होलसेलर का परचेज है मुझे बताओ होलसेलर आगे बेचेगा ठीक है ये आगे जब बेचेगा तो एक्साइज आएगा या सिर्फ जीएसटी आएगा जीएसटी अब कोई दिमाग में होगा सर इसके ऊपर वैट वगैरह नहीं है क्या नहीं है वैट वगैरह नहीं है ओनली एक्साइज है ओनली एक्साइज बैट वगैरह नहीं है ठीक है तो यहां पे प्राइस समझ लो उसने आगे भेजा प्राइस और यहां पे तीन लाख है यस ध्यान देना लेकिन नेक्स्ट टाइम से तीन लाख यहाँ यहां थ्री लैक्स प्राइस है एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू चार्ज क्या बेटा सी जी एस टी एट द रेट फोर्टीन परसेंट एंड एस जी एस टी एट द रेट फोर्टीन परसेंट ओके नो एक्साइज दियर वाई नो एक्साइज बिकॉज इट्स नॉट ही इज नॉट गोइंग टू चच द इवेंट ऑफ प्रोडक्शन आर अन्युफैक्चर ही जस्ट अ ट्रेडर ओके सो ऑन थ्री लैक्स नहीं नहीं एक मिनट सॉरी सॉरी गलती हो गई फोर लैक्स करूँगा फोर लैक्स करना क्योंकि उसकी परचेसिंग कॉस्ट ही थ्री सेवन है फोर लैक्स हो गई गलती सॉरी यार इंटू फोर्टीन परसेंट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड और ये फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डन टोटल प्राइस फाइव लैख ट अच्छा मुझे ये बताओ यहां पे होलसेलर के लिए ये आउटपुट टैक्स है इसमें तो अब माहिर हो गया आउटपुट टैक्स है और होलसेलर के लिए ये इनपुट टैक्स है तो उसके आउटपुट टैक्स में अगर उसको सीजीएसटी जीएसटी के अगेंस्ट में क्रेडिट लेना है उसको अगर क्रेडिट लेना है तो वो तीनों का क्रेडिट लेगा या ओनली जीएसटी का लेगा एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते सर एक्साइज के क्रेडिट अगर नहीं हैं तो क्या कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इमेजिन जीएसटी जीएसटी है जीएसटी है, 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 है प्लस एक्साइज का कोई कैस्केडिंग सॉरी एक्साइज का कैस्केडिंग इफेक्ट भी रखा है क्रेडिट भी नहीं दिया समझ में आया क्या तो ऐसे केस में ओके okay, यहां लिख दो रेड पेन से नो आईटीसी नो आईटीसी लेकिन हां इसका आईटीसी उसको इधर मिल जाएगा आईटीसी अलाउड ओके आईटीसी अलाउड सेस नहीं लिया बेटा मैंने सिर्फ तुम लिए याद रख लो सेस भी लगता है सेस नहीं लिया नहीं तो और कंफ्यूजन ठीक है डन चलो स्पेशल केस आई समझ में नेक्स्ट ओके वजी सुल्तान लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज टू लैक्स बी लिमिटेड फर्दर सोल्ड द गुड्स टू सी फॉर थ्री लैक्स कैलकुलेट एक्साइज एंड नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ वजीज सुल्तान लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इफ एक्साइज रेट ऑन सिगरेट इज ट्वेंटी परसेंट एंड जीएसटी रेट ऑन सिगरेट इज ट्वेंटी परसेंट एंड सप्लाई इज क्या इंटरेस्टेड चलो फटाफट इसका प्रेजेंटेशन में ले लो ये तो डायग्राम में समझा है प्रेजेंटेशन कैसे होगा जाओ नोटबुक में पी थ्री टाइप करो पी थ्री आ गया क्या ये हाँ बराबर है ना पी थ्री बाकी तो एग्जाम्पल वर्ड था ओके पी थ्री टाइप करो नहीं नहीं जो यहां पे प्रिंट है वही लिखो जो यहां प्रिंट है वही लिखो ठीक है P3 बराबर है ना यहां इलेस्ट्रेशन प्रिंट होगा तो इलस्ट्रेशन ही लिखो यहां एग्जाम्पल प्रिंट होगा तो एग्जाम्पल और P P2 लिखा होगा तो वैसा ही लिखो तो P3 चलो तो नहीं, नहीं 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 आगे पीछे हो सकता है मैं आपको बोल दू आगे पीछे हो सकता है सिक्वेंस में नहीं आएंगे क्वेश्चन क्योंकि कभी कभी मैं आगे के कौन से पहले लेके फिर पीछे आता हूं तो आपको आपको कैसे चेक रखना है आपको क्रॉस चेक आपको क्रॉस आपको नोटबुक को भी पेज नंबर देना है ये हमारे रेगुलर बुक में भी आपको वो पेज नंबर यहां कोट करना है आपके नोटबुक का पेज नंबर यहां लिखोगे और यहां का पेज नंबर वहां लिखो। ठीक है हाँ चलो लिखो क्या पूछा उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट एक्साइज एंड नेट जीएसटी पेबल बाय वजीर सुल्तान ठीक है तो चलो अब एक कंफ्यूजन क्या होगा आपको नेट जीएसटी नेट जीएसटी बोला कि आपके दिमाग में वो बाय का फॉर्मेट आता है लेकिन मैं आपको कह दू कि वजीर सुल्तान पहला सेलर है पहला सेलर का नेट जीएसटी उसका इनवाइस टैक्स ही होता है ये समझ में आया ना इसलिए उसके इनपुट टैक्स में ढूंढने में बैठना हो ओके आपका नेट जीएसटी मतलब आपका इन में जो टैक्स लगा है आई होप यू अंडरस्टूड तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज एंड जीएसटी पेबल बाय वजीर सुल्तान कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज एंड जीएसटी पेएबल बाय वजीर सुल्तान वजीर सुल्तान लिमिटेड

एक्साइज ड्यूटी एट द रेट ट्वेंटी परसेंट कितना हुआ फोर्टी थाउजेंट टोटल टू लैख फोटी थाउजेंड ठीक है उसके बाद में क्या आएगा जी एस टी सी जी एस टी एट द रेट फोटीन परसेंट एस जी एस टी एट द रेट फोटीन परसेंट थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री सिक्स हंड्रेड ठीक है यहां पे अच्छा मुझे बताओ हमने जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए एक्साइज भी ऐड किया जीएसटी के लिए एक्साइज भी ऐड होता है ध्यान रखना टोटल कर लो नीचे नोट दो हाँ तो उन्होंने पूछा क्या है कि एक्साइज और जीएसटी कितना पेबल है तो नीचे लिखो एक्साइज ड्यूटी पेबल एक्साइज़ ड्यूटी पेबल रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड एंड सी जी एस टी रुपीज थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एस जी एस टी रुपीज़ थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू गवर्नमेंट अच्छा ये एक एक बहुत जरूरी है ये एक्साइज ड्यूटी किसकी स्टेट की है सेंट्रल की है सेंट्रल का है तो यहां जरूर लिखना सेंट्रल ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल और नीचे भी सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेबल और सी जी एस टी थर्टी थ्री थाउजेंड एस जी एस टी थर्टी थ्री थाउजेंड नीचे नोट लिखना ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट नो वैट एंड सी एस टी इज पेबल उसके उस एक्साइज और जीएसटी लगता है उसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी लगता है एक तो इन्होंने पूछा था आगे वो कहते क्या कहते हैं वजीर सुल्तान का निक, निकल गया अब आगे क्या कहते हैं बी का भी निकालो बी ने आगे कितने में बेचा है थ्री लैक्स तो लिखो यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन ऑफ अच्छा कैलकुलेशन ऑफ एक्साइज और जीएसटी और ओनली जीएसटी कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल बाय मिस्टर बी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज पर्टिकुलर्स में सेल प्राइस कितनी है इसकी लॉस में सेल कर दिया लॉस में जो भी तुम्हारे परचेस होता नहीं सवाल सही है परचेस से परचेस कितने का किया इसने थ्री लाख सेवन थाउजेंड और सेल कितने में कर दिया थ्री लाख तो लॉस में सेवन ठीक चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो सेल प्राइस कितना बेटा थ्री लैक्स उसके बाद में उसके ऊपर सी जी एस टी सी जी एस टी फोर्टीन परसेंट एस जी एस टी फोर्टीन परसेंट फोर्टी टू थाउजेंड फोर्टी टू थाउजेंड ठीक है अब नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल बाय बी मैंने बताओ बी का नेट जीएसटी क्यों निकाल रहा हूं क्योंकि उसका आउटपुट भी है इनपुट भी है थ्री बाय थ्री ये सर नो बाई पर सर हम थ्री बाय थ्री क्यों ले रहे टू बाई टू ले सकते क्योंकि इसमें आई जी एस टी कहीं पे नहीं है आदत लगा लो ना आई जीएसटी नहीं भी होगा टू बाई टू भी ले सकते हो टू बाई टू। CGST, CGST. क्योंकि ना परचेस में आई जी एस टी ना सेल्स में आई जीएसटी समझे आया क्या टू बाई टू भी ले सकते हो पर मैं ज्यादा कहूंगा आदत थ्री बाय थ्री की रखना ठीक है तो यहां परुली एस टी सी जी एस टी और क्या बेटा एस जी एस टी अच्छा ये मैं सिर्फ किस एक्साइज के लिए ले रहा हूं या सिर्फ जीएसटी का नेट निकाला जीएसटी का नेट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई आई जी एस टी नहीं है सी जी एस टी है कितना है मेरा आउटवर्ड में फोर्टी टू थाउजेंड फोटी टू थाउजेंड लेस क्या आई टी सी लेस आई टी सी मेरे पास आई जी थ्री बाई थ्री कर लो पहले जी एस टी और क्या एस जी एस टी आई जी एस टी नहीं है क्रेडिट में सी जी एस टी है कितना लग के आया था कितना थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है क्रेडिट यूटिलाइजेशन स्टार्ट करो आईजीएसटी का क्रेडिट है ही नहीं यार तो जाने दो हाँ सीजीएसटी का क्रेडिट पहले पहले सीजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट पहले सीजीएसटी में अगर बचा तो नहीं तो क्रॉस ठीक है और एसजीएसटी का क्रेडिट पहले बचा तो आईजीएसटी में तो नेट जीएसटी पेबल ये तो नील आया हाँ मैं आपको बता दू आईजीएसटी नहीं भी बनाते तो चलता था टू बाय टू में क्योंकि ना आउटपुट में आईजीएसटी था ना इनपुट में था समझ में आया क्या पर आदत यही रखना थ्री बाय थ्री की कितना आया नेट एट थाउजेंड फोर हंड्रेड डन कॉन्फिडेंस आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में चलो हा अरे हमने एक्साइज का तो क्रेडिट लिया ही नहीं नहीं मिलता है ना लिखो नोट को विवेल्युएटर को कैसे पता चलेगा नोट लिखो नीचे नोट लिखो क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन परचेसेस Paid on purchases is not available, is not available against GST payable on outward supply, against GST payable on outward supply. Then, अभी हमने कौन सा देखा था टोबैको तो अल्कोहल पे तो आप बहुत क्लियर हो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं ठीक है हिस्ट्री बता दी दिमाग में फिट हो गया आपके ठीक है जीएसटी तो बात ही मत करना ओके नहीं तो सारे स्टेट फाइनेंस में वापस अरे है ना तो जगह है आतक्ष नहीं पर क्या आता है अल्कोहल पे अल्कौल स्टेट एक्साइज और वैट सीएसटी समझ में आ रहा है वैट और सी एस टी तो देखो वो क्या कहते हैं इट इज आउटसाइड द रिल ऑफ क्या जीएसटी जीएसटी तो छोड़ दो बात ही मत clicker, क्या बेटा स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट वैट मतलब अगर स्टेट सेल हुआ तो वैट इंटर स्टेट सेल हुआ तो सीएसटी समझ में वैट और सीएसटी चलो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं था प्रॉब्लम देख लेते हैं मिस्टर विजय एंगेज इन द सप्लाई लीकर ऑल्सो प्रोवाइड एयरलाइन अरे लीकर में भी है एंड प्रोवाइड क्या एयरलाइन सर्विसेस कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ लीकर अच्छा एयरलाइन सर्विस भी विजय माल्या सब उस एयरलाइन सर्विस भी जीएसटी के बाहर है क्या नहीं एयरलाइन सर्विसेज जो है जीएसटी में आएगा सप्लाई प्लाई लीकर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 लैक्स एक्साइज़ 12 परसेंट परसेंट वैट 12.5 एंड सप्लाई एयरलाइन सर्विसेज़ क्या 30 लैक्स चलो लिखो फटाफट मैं ये आप आपको पता है आप दो मिनट में कैलकुलेटर में कर सकते हो मैं आपको वो सिखा ही नहीं रहा हूँ कैलकुलेशन प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ समझ में आया क्या प्रेजेंटेशन की आदत लगवा रहा हूं ठीक है चलो लिखो इन गिवन केस पहले आप इवेल्युएटर को समझाओ इन गिवन केस अल्कोहलिक लीकर इन गिवन केस अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्प्शन ये मैं पूरा जानबूझ के लिख रहा हूं आदत लगा रहा हूं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन ये नहीं यार लिखते लिखते स्पेलिंग गड़बड़ हो जाता है ह्यूमन कंजम्पशन ओके आज देखो लिखते लिखते स्पेलिंग इधर उधर हुआ तो आपने मैनेज कर लेना ओके In given case, alcoholic liquor for human consumption is not subject to levy of GST. It is liable to excise duty, state excise duty. Usko underline karna state excise duty. It is liable to state excise duty.

एयरलाइन सर्विसेस क्या होगा एयरलाइन सर्विसेस में ओनली जीएसटी इज पेबल ओनली जीएसटी इज पेबल सर आपने पहली चार लाइन क्यों लिखा के दी मुझे इवेल्युएटर को समझाना है डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा पहले लॉ क्या है वो समझ लो है ना तो मैंने कोई लीगल लैंग्वेज वर्ड लीगल जोरोगॉन्स नहीं किए सिंपल लेमैन लैंग्वेज में लिखा के दिया आपको ये समझ में आया क्या बस इतना उसको समझाओ ये देखते वो इंप्रेस हो जाएगा कि पहले आपने एक्सप्लेन किया क्या करने वाले हो डन ओके okay. अब कैलकुलेशन करो नीचे अब बताओ कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्टेट एक्साइज

सेल प्राइस ट्वेंटी लैक्स स्टेट एक्साइज स्टेट यहां जानबूझ के स्टेट एक्साइज लिखना स्टेट एक्साइज एट द रेट क्या रेट दिए ट्वेल्व परसेंट दिया है ना ट्वेल्व परसेंट कितना आ रहा है टू लैक्स टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड टोटल करो ट्वेंटी टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड और उसके ऊपर लगेगा वैट ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट टू लैक्स एटी थाउजेंड टोटल जो भी करना है तो जो भी एक्साइज और वैट है टोटल कर लो आप जो भी है तो अब स्टूडेंट से होने वाली मिस्टेक क्या है जब वो नीचे नोट देते लिखते है टोटल ये टोटल पेबल नहीं है इसमें का सिर्फ क्या और वैट पेबल समझ में आया ना टोटल तो हमने जस्ट बना के दे दी उनको नाउ सेकंड अब सेकंड में लू एयरलाइन कंपनी लो ये सर नो तो लिखो जीएसटी पेबल ऑन एयरलाइन सर्विसेस एयरलाइन सर्विसेस जीएसटी पेबल ऑन एयरलाइन सर्विसेस ठीक है कोई पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज वो स्क्रीन की तरफ देखना ही गलत है मैं ये सिर्फ लिख रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं और कभी कभी इन बिटवीन रुक जाता है वीडियो तो मैं डिक्टेट करते वक्त उनको वो वर्ड्स नहीं याद आ पाते समझ में कैच नहीं कर उनके लिए बस पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीस ये आप ही सॉल्व करो तो एयरलाइन सर्विसेज की वैल्यू क्या थी थर्टी लैक्स थे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई ये बताओ मैं एक बहुत सोच समझ के बात करूं ऊपर मैंने सेल प्राइस वर्ड यूज किया और यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई लिख रहा हूं क्या फर्क है क्योंकि जब जीएसटी आ गया तो सप्लाई वर्ड आना ही चाहिए नहीं समझा जीएसटी आ गया तो वर्ड सप्लाई आना चाहिए तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है वैल्यू ऑफ सप्लाई थर्टी लैक्स ,00 क्या लगाओगे उसके ऊपर जीएसटी रेट और इंट्राया तो डायरेक्ट ट्वेंटी एट परसेंट लगा दो तो पूरा नहीं भाई इंट्रा बोला है नाइन नहीं बेटा फोर्टीन फोर्टीन ट्वेंटी एट है एटीन है ना हाँ जीएसटी रेट एट द रेट नाइन परसेंट ए जी रेट एट द रेट नाइन परसेंट टू लैख सेवेंटी थाउजेंड टू लैख सेवेंटी थाउजेंड डन डन आ डन डन क्लियर इजी 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 तो इज इज टाइप करो <laughs> चलो अब ब्रेक लेना है एक तो दस मिनट में आ जाओ चलो फटाफट आ, राजेश ब्रेक मे रेकॉर्डिंग बंद करता ना, परत सालू करें। है एक मिनट नहीं लॉस में नहीं क्योंकि क्रेडिट मिल जाएगा उसको नहीं वो मेरे से मिस्टेक हो गया तो, हाँ उसने लॉस में नहीं बेचा क्योंकि उसने वो GST का तो क्रेडिट मिल जाएगा उसको लॉस में के अगर है और मैंने तो 40 नहीं ब्लॉक होता ही उसका ऑप्शन नहीं तो जो स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों की जेब से जाते हैं उनको सिर्फ क्वार्टरली फैसिलिटी है टैक्स क्वार्टरली दो भी नहीं, नहीं, नहीं 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 उसको कोई ऑप्शन कोई नहीं 你要补哪 हेलो वेल सो यस सभी लोग कलेक्ट हो जाओ कनेक्ट हो जाओ आज अगर कुछ बेंच पे बैठ के खा पी रहे हो तो आप कंटिन्यू रख सकते हो पढ़ाते हुए भी खा सकते हो मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइडेड डेट आपके आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बाकी आप क्लास में छुंगम लो चॉकलेट लो कुछ खाना है खाओ कुछ फ्रूट्स लेना है लो मेरे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं।, नहीं है पर गंदगी यहाँ पे नहीं इतना सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ असेसमेंट करना ठीक है स्पेशली फेस टू फेस जो ऑनलाइन देख रहे हो तो यहाँ पे मजा कर रहे है <laughs> ऐसा आजू बाजू आज आज बिस्किट वगैरह पर मैं फेस टू फेस वालों को भी मजा करने दूंगा प्रोवाइडेड गंदगी नहीं बिस्किट का रैपर फेंक दिया भाई साहब आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो रैपर वगैरह प्रॉपर जो है में। है? बैग ठीक ये प्रोजेक्टर जे ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व सोल्वलाइड

इंट्रा स्टेट सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई वहा लिखा नहीं है आप लिख दो इंट्रा स्टेट सप्लाई क्यों बेटा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी तो वहां लिख देना इंट्रा स्टेट सप्लाई दूसरा एक सवाल आपका आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पे जब आपने ये प्रॉब्लम सोल्व करवाया था तो ये प्रॉब्लम सोल्व करवाते वक्त पहले तीन लाख लिखा बाद में चार लाख लिखा तो, तो सर लॉस्ट लिखा देखो तीन लाख भी लिखता तो वो लॉस नहीं है क्यों क्योंकि जीएसटी तो हमारे कॉस्ट में ऐड होता नहीं है उसका तो क्या क्रेडिट मिल जाता है तो हमारी मेन कॉस्ट टू फोर्टी है अरे है ना मेन कॉस्ट टू फोर्टी है तो वो लॉस में नहीं है इज इट क्लियर तीसरा मैं आपको यह बता दूं जिसके यहां बिजनेसेस है या जो थोड़ा बहुत अपने घर के बिजनेसेस में इन्वॉल्व होगा जीएसटी समझ रहा है मजा आ रहा है पर आप क्या करोगे कि घर के बिजनेसेस जो है उसके साथ अभी से कोरिलेट करना चालू करोगे बात अच्छी बात है ठीक है आप जो रहे अच्छी बात है पर अभी नहीं मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट को एडवांस लेवल पे ले जाने दो क्योंकि अभी से आप कनेक्ट करना शुरू कर दिए तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके बिजनेस में आप जो कर रहे हो बहुत एडवांस लेवल का कर रहे हैं और मैंने तो अभी तक एक्ट भी स्टार्ट नहीं किया है इसलिए अभी नहीं मेरे 20 टू 25 फाइव सेशन हो जाने के बाद आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो समझ में आया क्या तब तक मत करना नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सोल्यूशन कुछ और फिर आ आके आप मेरे मुझे परेशान करोगे ये कैसा वो कैसा जबकि जिसके आंसर में आगे बताने वाला हूं आगे बताने वाला हूं ठीक है क्या क्या नहीं सर्विस चार्जेस लगाते हैं, टैक्स नहीं रेस्टोरेंट वाले टैक्स नहीं लगाते सर्विस चार्जेस लगाते हैं, ठीक है नाउ ये हमने देखा अब आ जाओ ओपीएम इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स इसका क्या स्टेटस देख लेते हैं बताओ मैंने हिस्ट्री क्या बताई थी ओपीएम नार्कोटिक्स का क्या डिसीजन लिया गया ओपीएम इनियन हेम अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंडोटिक्स विद इन द परव्यू ऑफ क्या जीएसटी अंडरलाइन हाईलाइट करो विद इन द पर अच्छा जीएसटी के परव्यू में मतलब जीएसटी लगेगा हाव एवर स्टेट गवर्नमेंट एंड अल्सो रिटेन द पावर टू लिव एक्साइज यू टी ऑन क्या ऑन सच प्रोडक्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अड़ गया कि ठीक है इसको जीएसटी में लाना है लाओ अल्कोहल को तो लाने नहीं दिया है ना पर इसको जीएसटी में लाना है तो लाओ लेकिन उसके ऊपर स्टेट एक्साइज भी लगेगी उसके ऊपर तो ये टोबैको तो जैसा ही है टोबैको जीएसटी में भी है पर सेंट्रल एक्साइज है टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज है और ओपीएम जीएसटी में भी है और इसके ऊपर क्या स्टेट एक्साइज इसके ऊपर स्टेट एक्साइज रिजल्ट ओपीएम करना ओपीएम इन एन हेम अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज स्टेट एक्साइज तो इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है लेकिन अब धीरे धीरे ये भी फील आएगा कि याद कैसे करेगा तो उसके लिए मैं चार्ट बनाऊंगा चार्ट में बहुत इजीली याद हो जाएगा ठीक है तो ये हुआ इंडियन हेम नार्कोटिक्स जिसके बारे में हमने देखा सर क्वेश्चन में यूटी का नाम है और हमने आंसर में सी एस लिखा तो क्या मार्क्स चले जाएंगे का नहीं जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है पर यूटी जीएसटी ही लिखो तो ज्यादा बेटर है ठीक है नाउ नेक्स्ट पेट्रोलियम पेट्रोल तो आपको क्लियर बताए छह ऐसे प्रोडक्ट जो जीएसटी में बिल्कुल भी नहीं है बताओ कौन से छह ऐसे प्रोडक्ट अल्कोहल हो गया और पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है एट प्रेजेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हाईलाइट करना डीजल पेट्रोल एटीएफ एटीएफ मतलब एवियेशन पर नेचुरल गैस आर नॉट लेविएशन का ताकत होती है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को स्टार्टिंग में जब मैं इतना मैं ताकत से ले लेता हूँ कि आगे से मुझे अंडरलाइन करना पड़ता है तो आप डरो मत, सिलेबस विदिन टाइम बहुत अच्छे से गवर कर दूंगा मुझे पता है कौन सी चीज कहा लेनी है बीस साल से पढ़ा रहा हूं। समझ में आया हाँ तो यहां पे पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ और एक और बात कह दू कि हो सकता है कि कोई अदर से पढ़ा रहा है मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसे केस इसमें वहां इतना हो गया हमारा है, पीछे भाई साहब मैं बैठा हूं ना मैं बैठा हूं ओके फाल फालतू फाल चीजों पे कंपेयर ही नहीं करना मुझे बताया आपको कौन सी चीज कहा कैसे पढ़ानी है इज इट क्लियर हाँ एट प्रेजेंट पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ नैचुरल गैस आर नॉट ओके आर आर नॉट लेवीबल टू क्या जीएसटी जीएसटी विल बी लेविड ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द डेट वेन नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल याद आया बट देर इज द लेवी ऑफ इनपे क्या आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्योंकि उनपे एक्जिस्टिंग टैक्सेस आते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन देर प्रोडक्शन एंड सी एस टी ऑर वैट इंटरस्टेट एंड इंटर सर एक सी एस टी वैट एक बार थोड़ा सा बता दो ना। ना। है। दो जुलाई 2017 के पहले बिफोर बिफोर जब महाराष्ट्र से गुजरात हां महाराष्ट्र का कोई डीलर है और ये महाराष्ट्र का डीलर जब महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा है समझ लो पुणे से नागपुर बायर को पुणे से नागपुर सेल कर रहा है आई रिपीट क्या कर रहा है सेल तो लगता था वैट तो लगता था वैट और जब वो एक स्टेट से दूसरे बायर को देता था बिफोर फर्स्ट जुलाई तो तब लगता था क्या सीएसटी यानी जब वो इंटरस्टेट करता था तो सीएसटी लगता था और इंट्रा करता था तो वैट लगता था दोनों सेल्स टैक्स थे दोनों सेल्स टैक्स नाम अलग अलग थे आई होप यू अंडरस्टूड ठीक है तो मैं सीएसटी और वैट क्यों लिखता हूं साथ साथ में क्योंकि इंटरस्टेट होगा तो सीएसटी इंट्रा होगा तो VAT. ये कब की बात एक जुलाई 2000 और आज करंट स्टेटस में छह प्रोडक्ट पे करंट स्टेटस में छह प्रोडक्ट जो जीएसटी के नॉन टैक्सेबल सप्लाई है समझ में आया जो जीएसटी के नॉन टैक्सेबल सप्लाई है चलो ये समझा आपको एंटरटेनमेंट टैक्स ये भी समझा है आपको याद करो याद करो एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट का था और लोकल बॉडी का था कुछ याद आया क्या स्टेट का तो हमने मर्ज कर दिया जीएसटी पर ये लोकल बॉडी मैंने वो उसके डिस्क्रिप्शन पे है. जैसे अगर कोई लोकल बॉडी लगाना चाहती है तो इन एडिशन टू जीएसटी आई रिपीट किया इन एडिशन टू जीएसटी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है तो चलो यहां फटाफट एक चार्ट बना लो एंटरटेनमेंट टैक्स मेरे साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए एंटरटेनमेंट टैक्स दो पार्ट पहला दो पार्ट पहला ईटी <coughs> e शॉर्ट में वहां ईटी e लिख दो ईटी e लेविड बाय स्टेट ड बाय स्टेट तो मैं इसको लिखूंगा सब्स्यूमिन जीएसटी सब्स्यूमिन इन जीएसटी सब्स्यूमिन जीएसटी लेकिन आपका ईटी लेविड बाय लोकल बॉडी लेविड बाय लोकल बॉडी तो क्या बेटा नॉट सब्स्यूम इन जीएसटी इन जीएसटी दैट इज दैट इज इट इज पेबल इन एडिशन टू जीएसटी ये समझा क्या इट इज पेबल इन एडिशन इन एडिशन टू जीएसटी जैसे एक्साइज इन एडिशन टू जीएसटी ऑन टोबैको अरे है ना ओपीएम नार्कोटिक्स देन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट जो सेकेंड वाला था अब पी फाइव क्वेश्चन पे आ जाओ आईनोक्स लिमिटेड इज रनिंग सिनेमा थिएटर इन पुणे

तभी आप लिखना है तो लिख देना इट्स क्या इंट्रा वो तो डिफॉल्ट है इंट्रा रहेगा समझा तो अब यहाँ पे एक मिनट पहले मुझे बताओ एंटरटेनमेंट थिएटर का जो है क्या सर्विस टैक्स लगना है हाँ ये तो सर्विस है अब इन एडिशन टू सर्विस टैक्स नहीं सॉरी जीएसटी लगना है पर इन एडिशन टू जीएसटी लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा क्या हाँ वो भी लगेगा तो चलो लिखो यहाँ पे ओके okay. अब जो इवेल्यूएटर है अब यहां पे होने वाली आपकी मिस्टेक देखो और आपका प्रेजेंटेशन कैसे आपने इंप्रूव करना चाहिए अगर आप ऐसा लिखोगे सोचो सोचो मेरे साथ ऐसा लिखोगे टिकट वैल्यू वन एंटरटेनमेंट टैक्स और उसके ऊपर क्या जीएसटी जीएसटी या आप ऐसा लिख दोगे टोटल निकाल दोगे क्वेश्चन इज ओवर नेक्स्ट पेज आपको मार्क्स पूरे नहीं आएंगे क्यों क्योंकि पहले ही लिखो कि क्यों क्यों आप एंटरटेनमेंट टैक्स एक्स्ट्रा लगा रहे हो अरे आया ना तो लिखो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओनली एंटरटेनमेंट टैक्स Entertainment tax of state government is subsumed in GST and not the entertainment tax and not the entertainment tax tax of local body hence hence ET entertainment tax ET of local body is payable in addition to एडिशन टू सर्विसेस ये छे लिखना कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय आइनॉक्स लिमिटेड पर्टिकुलर्स माउंट इन रुपीज पर्टिकुलरस में वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी टिकट चार्जेस कितना है पूरे मंथ का कितना है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वन लैख फिफ्टी थाउजेंड हाँ अब अब यहां कन्फ्यूजन क्या क्या है जीएसटी के बाद एंटरटेनमेंट टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स के बाद जीएसटी नहीं नहीं सुनो सुनो पहले पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगा पहले सुनो रीजन बता था पहले एंटरटेनमेंट टैक्स लगा तो लिखो एंटरटेनमेंट टैक्स पहले बेटा ऑनलाइन सब समझ लो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाना कितना है वो कितना आ रहा है थ्री वो ऐड करो वो ऐड करो कितना आया वन लैख फिफ्ट थ्री थाउजेंड और फिर जीएसटी निकालो सी जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट एच जी एस टी एट द रेट नाइन परसेंट थर्टीन सेवन सेवनटी थर्टीन सेवन सेवनटी डन ओके जो भी है तो टोटल आई होगी आपकी अब इसमें एक नोट डालो कि हमने एंटरटेनमेंट टैक्स पहले क्यों लिया या टोबैको केस में एक्साइज पहले क्यों लिया है ना तो आगे एक सेक्शन पढ़ाने वाला हो सुनो सभी ध्यान से आगे एक सेक्शन पढ़ाने वाला हो फिफ्टीन टू फिफ्टीन टू में ये कहा गया है कि जीएसटी छोड़ के अगर कोई भी दूसरे टैक्सेस लगे होगे एक बार माइंड में मन में बोलो जो मैं कह रहा हूं मन में मन में जीएसटी छोड़ के बाकी कोई भी दूसरे टैक्सेस लगे होगे तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वो वैल्यू में ऐड होगे तो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए वो वैल्यू में एड हो गए इसलिए पहले वो एड करूंगा फिर 153 फिफ्टी निकालूगा अरे है ना और उस पर मैं जीएसटी निकालूंगा आई होप यू अंडरस्टूड डन तो लिखो एस पर सेक्शन फिफ्टीन टू ए आगे पढ़ा होगा फिफ्टीन टू एफ एनी टैक्सेस इफ एनी टैक्सेस payable In addition to GST, in addition to GST, then such taxes are first included in value. In value for for. कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी देन तो सर फिर यहां तो रिगार्डिंग टू दिस पार्ट कैसकेटिंग इफेक्ट हो गया हा 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 ठीक है थोड़ा क्लियरली समझ लो इतने पार्ट के लिए कैसकेटिंग इफेक्ट हो जाता है ये भी खत्म करने की इच्छा थी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिटिकल इशू की वजह से खत्म नहीं हो पाए समझ में आया क्या चलो तो ये था रिगार्डिंग टू एंटरटेनमेंट टैक्स अब लास्ट रियल इस्टेट रियल इस्टेट सेक्टर हैज बिन केप्ट अंडरलाइन आउट ऑफ जीएसटी जीएसटी विल नॉट बी लिविड ऑन सेल और परचेस ऑफ इमुएबल प्रॉपर्टी ख्याल रहे जीएसटी मतलब गुड्स गुड्स मतलब मोएबल गुड्स मतलब क्या मोएबल इसलिए जीएसटी इमोएबल पे नहीं लगता है उस पर स्टैंप ड्यूटी लगती है समझ में आया ना तो जीएसटी लॉ इमोबल पे नहीं लग तो ये हमने देख लिया स्पेशल केसेस चलो अब आपने ये पढ़ लिया थोड़ा चार्ट बनाना आपको सिखा दो अभी डोर बांधता हूं तो आगे मजा आएगा मुझे बताओ पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा मैं आपको ये बोलूं कि इसको समराइज करो यार ऐसा मुझे याद नहीं रहेगा इसको समराइज करो कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल याद रह गया पर एक साथ कैसे याद रह पाएगा तो इसको समराइज करो तो देखो मैं इसको यहां पे सिचुएशन डिवाइड करते हैं और फिर चार्ट बनाते हैं। पहला कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी आता नहीं जिसके ऊपर जीएसटी मैंने वो देखती समझा ना नहीं जीएसटी को हाथ ही नहीं लगाएंगे यार इसमें छह प्रोडक्ट बताओ कौन से छह प्रोडक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल उसके ऊपर पेट्रोलियम पे सेंट्रल एक्साइज वैट सीएसटी और अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज वैट और सीएसटी तो उसका एक पार्ट बना लेंगे अरे है ना कौन से ऐसे प्रोडक्ट है कि जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी चाहता है जिसके ऊपर एक्साइज और जीएसटी चाहता है बताओ कौन से ऐसा टोयो प्रोडक्ट ओपीएम अरे है ना उसका दूसरा पार्ट बन गया यस और नो और बाकी सारे गुड्स एंड जी एस टी बाकी सारे गुड्स जी एस टी तो ऐसे केस में एक चार्ट जो है जो आपको बनाना है और ये चार्ट में आज के आज ही अभी क्लास होते ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ओके okay, और ये चार्ट जो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है ऑनलाइन जो कनेक्टेड वो स्क्रीनशॉट लेंगे और जो फेस टू फेस कनेक्टेड अभी तक नहीं है वो भी स्क्रीनशॉट लेंगे ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क ये आपके लिए रहेगा होमवर्क तो यहां आप ये चार्ट बनाओगे और जो बच्चा यहां सॉफ्टवेयर में देख रहा है सर हम स्क्रीनशॉट कैसे ले तो दूसरे मोबाइल से ले सर दूसरा मोबाइल नहीं तो फिर बस दिमाग में ले ले पॉज करके लिख ले वेरी गुड क्या पॉज करके लिख ले तो ये चार्ट कैसे रहेगा तो ये चार्ट कुछ इस तरह से रहेगा पहले वो गुड्स सुनो पहले वो गुड्स जो टोटली आउट ऑफ क्या जीएसटी है दूसरा वो गुड्स जो जीएसटी एज एस वेल एज एक्साइज है समझ में आया क्या और थर्ड वो गुड्स बा, सॉरी बाकी थर्ड के गेस्ट में सारे गुड्स जिसके ऊपर क्या लगेगा जीएसटी देन ये ड्रॉ करके लाना और अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉ करके नहीं लाया तो कल स्टार्टिंग में सात बज के पचपन मिनट पर यह स्क्रीन पर कर दूंगा मैं तो वो फटाफट तब लिख लेना पर खुद ड्रॉ करके लाए हुआ ज्यादा अच्छा इज इट क्लियर गुड्स टाइटल सिर्फ गुड्स का वो आप नीचे अलग से लिख सकते हो रियल एस्टेट वगैरह हम टाइटल सिर्फ किसका दे रहे हैं? गुड्स का तो चलो यहां ये डिस्कशन खत्म ये स्क्रीनशॉट ले लो मैं शेयर भी कर दूंगा और आपको ये ड्रॉ करके लाना है क्लास होने के बाद मैं शेयर कर दूंगा चलो अब आ जाओ नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल नेक्स्ट डिस्कशन थोड़ा थे अब ये थेरी है बट शॉर्ट नोट आ सकती है कीप इन प्रायोरिटी भी जीएसटी काउंसिल पे शॉर्ट नोट दो ये तो मैं पहले दिन से पढ़ा रहा था पहले कमिटी थी फिर बाद में क्या बना काउंसिल बना जीएसटी काउंसिल बना देखो आर्टिकल 279 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट करो 279 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट ज्वाइंट फोरम अंडरलाइन ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट नेमली जीएसटी काउंसिल उसको हाईलाइट करो अच्छा जीएसटी काउंसिल सिर्फ सेंट्रल का है या ज्वाइंट फोरम है हमारा ज्वाइंट फोरम है सेंट्रल एंड स्टेट का समझ में आ रहा है और ये काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर में बनाया गया ये काउंसिल प्रेसिडेंट के अंडर में बनाया गया द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स ऑन 20 12 सितंबर 2016 प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016 मतलब मैं अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि पहले एक नाम था कमेटी और कमेटी को फिर बाद में बदल दिया प्रेसिडेंट के अंडर में प्रेसिडेंट के अंडर में किस में जीएसटी काउंसिल तो 15 सितंबर 2016 को यहां पे हमारे प्रेसिडेंट ने इसका नामकरण कर दिया और अपने कंट्रोल में ये काउंसिल को नाम दे दिया गया क्या जीएसटी काउंसिल आई होप यू अंडरस्टूड नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल छोड़ो ये सब सारी बातें क्या था चेयरपर्सन कौन था जीएसटी काउंसिल का सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ना और मेंबर कौन थे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे या स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर्स थे अरे आया ना तो देखो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज क्या बेटा चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज क्या चेयरपर्सन एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस मतलब अगर आपकी यूनियन टेरिटरी होगी तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ दैट टेरिटरी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर इज अ मेंस और टैक्सेशन ऑफ एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई इच गवर्नमेंट आर द मेंबर मतलब इन सिंपल वर्ड इसके मेंबर कौन रहेंगे तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू या मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन ठीक है द मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल रेफरड इन क्लॉज सी अब शैल एस सून एज मे बी चूज वन ऑफ अमंग्स देम एज़ अ वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ सच पीरियड मतलब क्या चेयर पर्सन तो मैं वो फिक्स्ड है सीट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हां मैं कभी नहीं रहा तो वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन भी चाहिए अरे आया ना तो वाइस चेयरपर्सन आप वोटिंग से डिसाइड करो डन नाउ डिसीजन बाय मेजोरिटी ओके मोर देन थ्री फोर्थ ऑफ वेटेज वोट मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हाँ जो भी जीएसटी काउंसिल के डिसीजन हो गए हमने तीन चार डिसीजन तो लिए थे कुछ याद है क्या कैपिटल गुड्स के आईटीसी देंगे ओके हम इनवाइस मेथड यूज करेंगे वन टू वन कोरिलेशन अप्लाय नहीं होगा कुछ याद आ रहा है आपने तो ये सारे डिसीजन यूनानिमस नहीं चाहिए वोटिंग चाहिए वेटेड एवरेज वोटिंग वो कितना three. Three, से ज्यादा इन दिस जीएसटी काउंसिल ओके वेटेड सेंटर वन थर्ड टोटल वोट कास्ट एंड ऑल ओके स्टेट गवर्नमेंट टूगेदर टू थर्ड ऑफ टोटल वोट कास्ट इन दैट मीटिंग हाँ उसमें जो टोटल थ्री फोर तो जीतने के लिए चाहिए लेकिन यहां पे पावर किसके पास है तो सेंटर के पास वन थर्ड रहेगा अरे है ना वन थर्ड सेंटर के पास रहेगा और टू थर्ड स्टेट के पास रहेगा टू थर्ड वोट ये डिवाइडेड है मेरे वन थर्ड क्लियर है टू थर्ड आपके है जब कोई डिसीजन होगा तो मेरा वन थर्ड का और आपका टू थर्ड का टोटल थ्री फोर्थ से ज्यादा आनी चाहिए नहीं समझ आया ये समझ में आया क्या हाँ तो ये था ज्यादा डेप्थ में मत जाओ सिंपल वे में मैं आपको इतना ही कहूंगा ज्यादा डेप में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है बस इतना लर्न कर लेना ये था जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आ सकती है ए प्लस प्लस सारी चीजें बहुत अच्छे से टाइम लेके पढ़ाई हुई है ठीक है हा गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शाल मेक रिकमेंडेशन अब मैं आपको बता रहा हूं जिसको लिखना है वो लिख सकता है हिंदी में बता क्या रहा हूं देखो जीएसटी लॉ का कोई भी चेंज जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करता है तब तक तो कोई भी गवर्नमेंट अपने लॉ में चेंज नहीं करती है इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीएसटी लॉ ही एक ऐसा लॉ है कि उसके काउंसिल के बिना उसका पत्ता भी नहीं हिलता है समझ में आया क्या तो जो भी डिसीजन हो गए वो किसमें डिसीजन हो गए जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में होंगे और बाद में वो इंप्लीमेंटेशन में आएंगे ठीक है अभी चार दिन पहले जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई जिसमें अराउंड सत्रह चेंजेस किए गए और वो सत्रह चेंजेस अब उन्होंने एक तारीख से नोटिफाई की है एक जनवरी से अरे आया ना तो पहले जीएसटी काउंसिल होगा टू थर्ड से ज्यादा वोटिंग लिया जाएगा समझ में आया सॉरी टू थर्ड नहीं थ्री पोस्ट से ज्यादा वोटिंग लिया जाएगा जो प्रेजेंट है जो प्रेजेंट है उसमें और थ्री पोस्ट से ज्यादा वोटिंग लेके वो डिसीजन पास किया जाएगा जो अभी मैं रिकमेंडेशन पढ़ा रहा हूँ ये रिकमेंडेशन थे उस दिन के जब जीएसटी लॉ लाने का प्लान था एक जुलाई 2017। उसके बाद में तो कंटिन्यूस आ रहे हैं पर ये बेसिक रिकमेंडेशन थे जीएसटी काउंसिल के और ये बेसिक रिकमेंडेशन क्या थे पहला गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शलमे का रिकमेंडेशन कौन कौन से मैटर पे ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं टैक्सेस टू बी सब्स्यूम इन जीएसटी तब हमने एक लिस्ट बनाई थी जो लिस्ट मैंने आपको लर्न करने कही थी कितने सेंट्रल टैक्सेस्यूम हो गए जाओ उस लिस्ट पे लिस्ट पे जाओ कौन से और कितने स्टेट टैक्सेस सेंट्रल के कुछ सात आठ थे आठ थे ना सेंट्रल के छह थे स्टेट के आठ थे कुछ याद आया क्या कितने हो गए जीएसटी में यह डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लिया था और कौन से सब्सिम नहीं हो गए उसके नीचे लिस्ट दिया ये भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल ने लिया था और आगे भी एक जुलाई दो के बाद भी जो टैक्सेस छोटे छोटे अभी पड़े हुए जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल बॉडी इसको भी करना रहा तो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेगी पर अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है आई होप यू यूरस्टूड आज भी लोकल बॉडी का एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है एट द दिप्शन ऑफ लोकल बॉडी आई होप यू यूरस्टूड तो कौन से टैक्स सब्सिम हो गए दूसरा एग्जम्शन इन जीएसटी मैं सभी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को यह कहना चाहूंगा कि अगर हम जीएसटी एक यूनिफाइड लॉ ला रहे हैं तो इस यूनिफाइड लॉ में एग्जशन भी हम सारे स्टेट्स में सेम रखेंगे अगर exemption में example लो कि हम exemption vegetable products पे दे रहे हैं, यानी जो fruits और vegetables, agriculture फार्म से निकलता है, okay, उस पे हमें exemption देना है, हमें देना क्योंकि हमने तो पहले ही बोल दिया आधी घंटे पहले मैंने बोला इंडिया के सारे गुड्स पे जीएसटी आ सकता है एक्सेप्ट प्रोडक्ट एक्सेप्ट क्या एक बार फिर से मेरा स्टेटमेंट ध्यान सुनना कि इंडिया के सारे गुड्स पे जीएसटी आता ही है ऐसा नहीं आ सकता है जीएसटी लगाने का पावर है एक्सेप्ट छह छह प्रोडक्ट नहीं आएंगे अभी फिलहाल अरे आए ना तो अब समझ लो कोई फार्मर के वेजिटेबल और फार्मर के वेजिटेबल प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल परचेस हो रहे हैं फार्मर ला रहा है अपने फार्म से वो मंडी में आ रहा है अपने फार्म से वो ऑटो में वो सारे वेजिटेबल फूड्स लेके आ रहा है और इस मंडी में या फिर एपीएमसी में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी कृषि उत्पादन बाजार समिति समझ में आया ना वो अपने वहाँ अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके आ रहा है तो वो भी माल बेच रहा है अगर वो माल बेच रहा है तो बिजनेस तो वो भी कर रहा है अरे आया ना तो क्या उस पर भी जीएसटी लगाया जाएगा अब ये डिसीजन ले लिए कौन से छह पेट्रोलियम भी काउंसिल पे छोड़ा है अरे है ना उनका तो फॉर्म एक ही डिसीजन है कौन सा अल्कोहल मैं जो कह रहा हूं समझ में आया क्या ओके okay, पांच प्रोडक्ट भी उन्होंने किस पे छोड़े जीएसटी काउंसिल काउंसिल पे हाँ, इसके अलावा छह के अलावा बाकी सब पे लेवी है पर उस पे, उस मूमेंट पे टैक्स कलेक्ट करे या ना करे ये बाय एक्ट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा और अगर नहीं करना है तो एग्जाम्शन देगा अब पिक्चर में एक नया वर्ड आया क्या एग्जम्पन देगा अब बिल्कुल एक सवाल पिक्चर में आता है सबने ध्यान से सुनना सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जम सप्लाई नहीं समझा नहीं समझा एकदम सडन एक में ये मैं क्या बोल रहा हूं कुछ समझा क्या सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में क्या डिफरेंस है नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब लेवी ही नहीं है हा एग्जाम मतलब लेवी है एग्जाम मतलब सभी ऑनलाइन वाले सुनो लेवी है पर फिलहाल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है नहीं समझे एक पैरल एग्जाम्पल देता कन्विंस करता हूं आपको सुबह सुबह पौने सात बजे अपने क्लास को मैं आ रहा हूं कुछ ऐसा इवेंट हो गया ठीक है मैं आ रहा हूं देख रहा हूं अब मैं बहुत चिड़ा हुआ हूं कुछ गड़बड़ हो गई नीचे कुछ स्टूडेंट ने मस्ती कर दिया ठीक है तो एक बच्चा वहां से जा रहा था चिल्ला रहा था चिल्ला रहा था मैंने कहा जा तुझे निकाल दिया अब वो मेरे क्लास का बच्चा ही नहीं है मेरे क्लास का बच्चा ही नहीं चिल्ला रहा है मैंने कहा जा तुझे निकाल दिया तू तो वो बोलेगा आया कौन सर मैं आपके क्लास करी हूं अच्छा <laughs> समझ में आया क्या भाई निकाला तो उससे जाएगा जो आया है तो एग्जामेशन उसको दिया जाएगा जिसपे ले भी है अरे ना एग्जामेशन तो उसको दिया जाएगा जिसपे ले भी है कि जा तुझे एग्जाम कर दिया निकाल दिया अरे ना पर जिसपे ले भी नहीं है मतलब छ प्रोडक्ट ओके okay, इमेजिन करो आप छह प्रोडक्ट के साथ बात कर रहे हैं अल्कोहल जहां तुझे एग्जाम कर दिया वो बोलेगा नालायक ले भी नहीं है तो किस बात का एग्जाम उपकार कर रहा क्या मेरे पे समझ समझाया नहीं समझा तो इन शॉर्ट जो मेरे क्लास का ही नहीं वो तो नॉन टैक्सेबल है जो मेरे क्लास का नहीं तो, वो तो वो नॉन टैक्सेबल है वो सीधा उतर जा रहा है अरे है ना? टैक्सेबल है एग्जाम किसको कर सकता हो जिसके ऊपर लेवी है समझे क्या जिसके ऊपर लेवी है उस पर एग्जाम्सन कर सकता हो इसलिए एग्जाम सप्लाई याद रखना लेवीएबल बट टेम्प्री एगमटेड लेवीएबल बट टेम्पररी एग्जम्पटेड इन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिखा के दूंगा चार्ट ही बना के दूंगा आपको बस बात निकली इसलिए दूर था। तो वैसे तो सारे गुड्स पे लेवी है छह प्रोडक्ट छोड़ के इसमें से टाइम टू टाइम किसके ऊपर एग्जामिशन रखना इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करेंगे और सभी स्टेट में वो रहेगा समझ में आएगा पुराने जैसा नहीं होगा टैक्स रेट हुआ। कि भाई नैनो का प्रोजेक्ट यहां लाओ टेस्ला का प्रोजेक्ट यहां लाओ रेट तुमको फिफ्टी परसेंट फिर दिल्ली वाला कहता इधर आओ तो थ्री परसेंट ऐसा नहीं एग्जामेशन देगा तो सब देंगे और एक जैसा देखे लड़ो तो क्वालिटी पे लड़ो टैक्स रेट पे मत लड़ना अरे आया ना लड़ो तो क्वालिटी पे लड़ो फीस पे मत लड़ना <laughs> तो जहां तक देखा जाए तो यहां पे एग्जामिशन सब कॉमन मिल के नेक्स्ट मॉडल ऑफ गुड्स ये समझा थोड़ा थो, चलो हंड्रेड नहीं समझा फिफ्टी परसेंट समझा एग्जाम तो व्हाट इज नॉ अगर मैं इसके आगे कहूं नॉन टैक्सेबल मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब छे जिसके ऊपर लेवी ही नहीं और एग्जाम मतलब एग्जाम मतलब बादल आ गया है बारिश नहीं हुई पर बादल घने बादल लेवी हो गई अरे है ना? पर क्या? बारिश नहीं समझ में आया क्या तो चलिए तो नेक्स्ट मॉडल गुड्स मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ हां जीएसटी लॉ इंडिया में एक जुलाई 2017 से लागू होगा उसका मॉडल कैसा रहेगा कैपिटल गुड्स के क्रेडिट्स मिलेंगे क्या वन टू वन रहेगा कि नहीं रहेगा ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी रहेगा कि नहीं रहेगा इनवाइस कैसे बनेंगे ये सारे डिसीजंस हम मिलकर फिक्स करेंगे ये पूरा मॉडल किसने बनाया जीएसटी काउंसिल मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ प्रिंसिपल ऑफ लेवी अपोर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड ऑन सप्लाईज़ ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड हाँ इंटरस्टेट स्टेट में आईजीएसटी कलेक्ट होगा फिर उसका क्या होगा अपोर्शन होगा कैसे होगा ये सब कौन डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल ठीक है नाउ नेक्स्ट बेटा लिमिट मतलब यहां पे अभी एक देखो अभी मैं रॉ वर्ड यूज कर रहा हूं इसको रिफाइन करूंगा बाद में आ? अभी रॉ वर्ड यूज कर रहा हूं बेसिक एग्जामेशन थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब बेसिक एग्जाम मुझे बताओ इनकम टैक्स में वट इज योर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मतलब ये टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड तो यहां पे भी बेसिक एग्जामेशन लिमिट दी जाएगी अरे आया ना तो ये बेसिक एग्जाम्स लिमिट जो है यहां दी जाएगी और ये बेसिक एग्जाम्स जिसको हम आगे कहेंगे थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट तो थ्रेशोल्ड ऑफ बेसिक एग्जाम तो अभी आपके नॉलेज के लिए अवेयरनेस में डाल देता हूं सभी ध्यान दो बेसिक थ्रेशोल्ड जनरली ट्वेंटी लैक्स है कुछ केस में दस लाख है और कुछ केस में चालीस लाख है पर जनरल लिमिट क्या है ट्वेंटी लैक्स मतलब बहुत ही लैंग्वेज में कहो तो 20 लाख के टर्न ऑवर तक आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है मैंने क्या कहा 20 लाख के टर्न ऑवर तक आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स में टू लैक फिफ्टी थाउजेंड यहां पर टर्न ऑवर बेस पर है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स नेट प्रॉफिट पे नहीं प्राइस पे चलता है अरे ये नो तो इन शॉर्ट जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है जो फुटपाथ पे बिजनेस कर रहे हैं वो कहां जीएसटी देंगे भाई कहां जीएसटी के कंप्लायंस करेंगे ओके okay, जो यहां छोटी छोटी शॉप्स लेके बैठे चौपाटी पे बैठे हैं समझ में आ रहा है वो कहा जीएसटी के कंप्लायंस करेंगे पॉसिबल ही नहीं इमेजिन करो तुम जीएसटी पोर्टल पे जाओ तुम वहां खड़े होगे उसके सामने ओके okay, कोई चौपा यहाँ पे फुटपाथ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट बेच रहा है ओके okay, तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है जीएसटी पोर्टल पे गए डब्ल्यू पे गए <laughs> इन सिंपल वर्ड नहीं गवर्नमेंट ने ट्वेंटी लैक्स का ट्वेंटी लैक्स का थ्रेशोल्ड दिया है स्मॉल बिजनेसमैन वालों को ये समझा नहीं समझा ट्वेंटी लैक्स का स्मॉल थ्रेशोल्ड बिजनेस उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया है हाँ जनरली ट्वेंटी लैक्स का इवन छो, छोटे सर्विस प्रोवाइडर को भी दिया है कुछ केस में वो दस लाख ही है बाद में पड़ेंगे और कुछ केस में वो चालीस चालीस लाख है पर ये सारे स्टेट्स कॉमन रखेंगे सारे स्टेट्स क्या कॉमन छोटे बिजनेसमैन वालों के लिए अब आपके सवाल बिल्कुल आ जाएंगे मेरे को और ये सवाल आएगा कि सर ये बताओ बीस लाख तक के जो थ्रेश मिलता है तो हमें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है इसमें बीस लाख हर साल मिलता है क्या ये सवाल हो सकता है बीस लाख के बाद हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है क्या यस yes. सर फिर अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया और अगले साल भी बीस लाख का मिलेगा क्या अभी आपके अवेयरनेस में डाल देता हूं मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट कंप्लीट दो घंटे का डिस्कशन है समझ में आया अभी सिर्फ मैं इतना अवेयरनेस में डालता हूं आपके कि इसके आगे मैं कहूंगा बीस लाख का थ्री छोड़ मतलब बीस लाख तक आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे आपके बीस लाख क्रॉस हो जाते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आपके 20 लाख क्रॉस हो जाता है टर्न ओवर टर्न ओवर तो आपको इमीजिएट 30 डेज में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देना पड़ता है समझ लो आज की डेट है और आज की डेट में आज मेरा 20 लाख का टर्नवर क्यूमलेटिव टर्न ओवर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आई रिपीट दर्ट क्यूम टर्न ओवर ऑफ दिस मतलब एक अप्रैल से लेकर आज तक क्यूमुलेटिव करते करते आज मेरा बीस लाख क्रॉस हो गया सेल्फ असेसमेंट है गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट रखेगी गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट रखेगी खुद ही समझ लो बीस लाख हो गया ओके okay, और ये बीस लाख जो है जैसे ही खत्म हो जाता है आप तीस दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो नहीं किया तो पेनॉल्टी है ठीक है तीस दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और वो आज की डेट से ही इफेक्टिव हो जाएगा इवन दो तुमको तीस दिन दिए है पर जब भी आएगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी का वो इफेक्टिव आज की डेट से हो जाएगा ठीक है ठीक है तो जैसा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि आज का कितना सिक्स दिसंबर सेवन सेवन तो अगर आज का हमारा सेवन दिसंबर समझ में आ रहा है ओके okay, तो सेवन दिसंबर एग्जाम्पल लेते हैं तो सेवन दिसंबर जो है मैं सेवन दिसंबर से अप्लाई करूंगा फिर मेरी आरसी आएगी आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ जी तुम्हारे मोटर व्हीकल का नहीं जीएसटी आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी ओके जो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन आया आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया फ्रेमिंग किया शॉप पे वहां लगा के रख दिया अरे है ना या ऑफिस में बाहर लगा के रख दिया अब हम भी जीएसटी रजिस्टर्ड है ठीक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ गया इवन दो आर आपकी अप्लाई करने के बाद आएगी पर उस पर डेट लिखी होती है इफेक्टिव फ्रॉम ऑफ क्या डिसंबर आई होप यू इंडस्ट्री मतलब जैसे ही आपने 20 लाख क्रॉस कर दिया आपको बाद में जीएसटी देना पड़ता है पड़ेगा पढ़े, चलो ये साल खत्म आप 20 लाख खत्म आपके 20 लाख तक टैक्स नहीं दिया क्योंकि आपको बेसिक थ्रेश था 20 लाख के बाद हाँ अब इसमें क्या हो जाता है जब तक आप 20 लाख में हो थ्रेश में हो मैच्योरिटी बढ़ाना जब तक आप थ्रेश में हो तब तक जो कस्टमर आते हैं उनका फायदा हो जाता है क्यों फायदा हो समझ लो मैंने अभी अभी क्लास चालू किया अभी सी ए मैं अभी क्लास चालू किया ये मेरा पहला साल है ये मेरा पहला साल है पहला स्टूडेंट आया उसने कहा सर आपके पास क्लास लगाना है कोई जीएसटी नहीं क्योंकि बीस लाख तक मैं जी एस टी नहीं दूंगा तो मैं नहीं दूंगा तो मैं कस्टमर्स को भी क्यों पास ऑन करूँ अलाउड ही नहीं है अलाउड ही नहीं है समझ में आया क्या वो खुश हो गया सर जी एस टी नहीं दूसरा आया ऐसे ट्वेंटी लाख तक जो कस्टमर आए उनको कोई जीएसटी नहीं लगे पर 20 लैक्स के बाद जो कस्टमर आया तो कोई स्टूडेंट 20 लैक्स के बाद आया मेरे पास और वो कहेगा सर क्लास लगाना है तो मैं उनको आप जीएसटी लगेगा अरे और मेरे फ्रेंड को पर्सनल चार दिन पहले एडमिशन ली थी उसको तो आपने जीएसटी नहीं लगाया तू क्यों नहीं आया तो क्यों नहीं आया चार दिन पहले अरे सर मैं लेट हो गया पर मेरे को डेमो देखना था हाँ आगे डेमो देखना था तो ऐसे केस में ऐसे केस में सुनो नहीं रजिस्ट्रेशन ले लिया है जीएसटी लगेगा फिर जाओ सर, फिर आपका क्लास नहीं लगा था, सब मैं सामने लगा होगा, ठीक है ठीक है फिर आपका क्लास नहीं लगा था, देख भाई लगाना है तो लगा नहीं लगाना है तो मत मतलब ये कब बोल सकता ये कब बोल सकता हो अगर वह इनिशियल स्टेज हो तो अच्छा तो ठीक है तो अब ऐसे केस में अगर 20 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन आ गया कस्टमर देने को रेडी है जीएसटी तो ठीक नहीं देने को रेडी है तो आपके जेब से जाएगा पर जीएसटी देना पड़ेगा सुनना मेरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, कस्टमर देने को रेडी है तो ठीक गवर्नमेंट को इससे लेना देना ही नहीं कि तू कस्टमर को ले रहा है या एटीट्यूड में है या नहीं है अरे गवर्नमेंट को जीएसटी चाहिए अगर तू कस्टमर रखना चाहता है बिना जीएसटी का तो तेरे जेब से थे नहीं तो कस्टमर हम तो कस्टमर को कह रहे हैं कि तू कस्टमर से ले ले ये समझा समझा या नहीं तो 20 लाख के बाद लगेगा इनडायरेक्ट टैक्स का निचरी ऐसा 20 लाख के बाद जो भी तुम्हारा होगा अब का नाम जो ट्वेंटी हाँ, एक बात निकली है तो और ये देखो मैं ये मत समझना कि ये ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको इतनी बातें बता रहा हूं कि जो आगे बहुत काम आएगी हमारे चैप्टर इजी हो रहे मैं एक बात बहुत क्लियरली समझा रहा हूं कि मैं जब पहले चार चैप्टर पढ़ाता हूं तो चार ही नहीं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। समझ रहे ये क्योंकि जब जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो ये रिपीट नहीं करूंगा फिर मैं तब इमीजिएट समझ जाएगा आपको मैं बोल क्या रहा हूं इज इट क्लियर इसलिए वो पेज मत गिनना कि इतने दिन में दस ही पेज हुए और फिर वो दस ही हुए बाकी कब हो गए अरे हाया ना इतना सिलेबस बाकी है फालतू बच्चे जैसे तुम ही खेलो मेरे को मत खिलाओ ये समझा क्या तुमको खेलना है तुम खेलते बैठो मेरे को बताया मेरे को क्या पढ़ाना है वापस आता हूं तो अब ऐसे केस में मैं आपको यह बताता हूं यहां जहां तक देखा जाए ये बीस बीस लाख तक इसका नाम सिर्फ इनवाइस होता है ये इनवाइस याद आ रहा है क्या बीस लाख तक इसका नाम सिर्फ इनवाइस होता है और बीस लाख के बाद उसका नाम टैक्स इनवाइस हो जाता है समझ में आया कि नहीं आया बीस लाख के बाद उसका नाम टैक्स इनवाइस वो टैक्स इनवाइस लिखना पड़ता है उसमें समझ में आया तो टैक्स इन्वाइस लिखना ऐसा टाइटल चाहिए टैक्स इनवाइस गवर्नमेंट को बीस लाख तक ये कंसर्न नहीं है तू हाथ से लिख के देना हमें कोई लेना देना नहीं है हमें कोई लेना देना पर असेसमेंट करके खुद का ही टर्न और कैलकुलेट करके ऑनेस्टली ट्वेंटी लैक्स क्रॉस कर देगा तो खुद होके अब अपना मैक एडमिनिस्ट्रेशन बदल देना अब इसके बाद में जब इनवाइस देगा तो लिखेगा टैक्स इनवाइस और वो टैक्स इनवाइस में जीएसटी सेपरेटली इनवाइस में लिख कर देगा हाँ सेपरेटली नहीं स्पेशली बी सी केस में भी अलाउड है अरे है ना इंक्लूसिव अलाउड है पर लिखो फिर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स समझ पर मोस्टली अभी प्रिफर करते हैं सेपरेट क्योंकि कस्टमर को भी पता चलना चाहिए टैक्स कितना है आई होप यू अंडरस्टूड टू ट्रांसपेरेंसी तो आपको एज सेक्शन थर्टी टू तो यही कहता है कि सेपरेटली मेंशन करो लेकिन जो लोग इंक्लूसिव मेंटेन कर रहे हैं तो उस पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं किया इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने लूज छोड़ा हुआ है कि ठीक है पर बाय लॉ तो आपको टैक्स सेपरेटली मेंशन होना जरूरी इन शॉर्ट मैं अपने एग्जांपल पे आता हूं कि मुझे यह बताओ कि 20 लाख के बाद अगर कोई स्टूडेंट यहां क्लास लेने आया कोई कस्टमर में से गुड्स खरीदने आया तो उनको मैं इनवाइस दूंगा बिल दूंगा या टैक्स इनवाइस दूंगा टैक्स इनवाइस दूंगा ये समझ में आया क्या टैक्स इनवाइज दूंगा जीएसटी कैलकुलेट करके दूंगा वो एक्स्ट्रा देने को रेडी है तो ठीक नहीं तो मेरे जेब से निकाल के जीएसटी अलग बताऊंगा पर देना पड़ेगा तो अब ऐसे केस में यहां पर वापस आता हूं थ्रेशोल्ड पे आता हूं। अब थ्रेशोल्ड की मैकेनिज्म समझ लो मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया सात दिसंबर से रजिस्ट्रेशन ले लिया ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ कम ऑन क्या नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अब तो मैं रजिस्टर्ड हूं अब तो मैं क्या रजिस्टर्ड हूं अनरजिस्टर्ड नहीं हूं जीएसटी नंबर है मेरे पास ये समझ में आया क्या तो अब जब नया फर्स्ट अप्रैल चालू होगा तो क्या वापस से मुझे बीस लाख के एग्जामेशन मिलेगी क्या नहीं इनडायरेक्ट टैक्स में हर साल नहीं और इनडायरेक्ट टैक्स कहता है जीएसटी लॉ कहता है सेक्शन ट्वेंटी टू सेक्शन ट्वेंटी फाइव कहता है कि वंस यू रजिस्टर्ड वंस यू क्या रजिस्टर्ड ऑलवेज चार्ज एंड पे जी एस टी दैट मीन्स थ्रे शोल्ड इज नॉट अलेबल इन एवरी इयर इट इज अवेलेबल इट इज अवेलेबल वंस इन एयर बी ने अवेलेबल ओनली टिल द केस वेर यू आर एग्रीगेट टर्न ओवर डज नॉट एक्सिट्स ट्वेंटी लैक्स ये समझाने आपका मन माने ना माने। एक प्रैक्टिकल की स्टडी बाईस या तेईस मार्च दो हजार बीस को लॉकडाउन अनाउंस हो गया अरे है ना बीस बाईस या तेईस मार्च को क्या बाईस मार्च को है ना ओके लॉकडाउन अनाउंस हो गया ओके और कुछ टाइम देके लॉकडाउन करवा दिया यस और नो अब मैं आपको बताऊं बाद में 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म हुआ 2021 जब नया फाइनेंशियल ईयर आया कंटिन्यूस लॉकडाउन में रहा जिनके टर्न ओवर करोड़ में थे उनके टर्न ओवर दो दो तीन तीन, तीन लाख भी नहीं थे टू लैक्स थ्री लैक्स अरे समझा क्या क्योंकि कंटिन्यूस पूरा साल क्या लॉकडाउन में रहा अब समझ लो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे आप जीएसटी पे कर रहे थे टैक्स इनवाइज बना रहे थे कुछ ये समझा नहीं समझा और लॉकडाउन में आपका टर्न ओवर सिर्फ पचास हजार है पूरे साल भर का तभी तो क्या जीएसटी देना पड़ेगा यस yes. क्योंकि वंस यू रजिस्टर्ड यू आर होल्डिंग जीएसटी अरे है ना यू आर होल्डिंग क्या जीएसटी क्या आपको रजिस्ट्रेशन यानी क्या आपको जीएसटी पे करने यस सर मन नहीं मान रहा है, छोड़ो उसके बाजू में जो मैं कह रहा हूं वही ये समझा तो फिर अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो फिर कैंसिल कर दिया तो वापस बेनिफिट मिल सकते हैं पर जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन है तब तक आपको जीएसटी एक एक रुपए पे देना पड़ेगा इेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्न ऑफ आई होप यू नो तो कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड जीएसटी थ्रेशोल्ड एग्जामेशन सोचो तो यार सोचो तो इनकम टैक्स और जीएसटी एग्जामिशन में क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स में आपके पास पैन हो या ना हो अरे इनकम ना? टैक्स में आपके पास पैन हो या ना Individual हो इंडिविजुअल होगा एच होगा तो हर साल ढाई लाख है यहां ऐसा है नहीं हर साल बीस लाख नहीं है ओके जब तक आपका टर्न ओवर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी लैक्स क्रॉस नहीं होता है तब तक ठीक जैसे उसने ट्वेंटी लैक्स क्रॉस कर दिया माइक लेके आना ट्वेंटी जो है आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ट्वेंटी लैक्स के बाद और आपको यहां पे देना और आपको जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लिया अब जब तक रजिस्ट्रेशन आपके पास है तब तक आपको एक एक रुपए पे जीएसटी देना पड़ेगा और पास ऑन करना पड़ेगा पूछो सर एक डाउट था आ, आपने सर्विस का एग्जाम्पल दिया पर इन केस वो ट्रेडिंग कर रहा है तो जहाँ से जिस होलसेलर से उसने सामान गुड्स लिए वहाँ पे वो जीएसटी भर रहा होगा अगर होलसेलर सप्लायर हाँ सप्लायर का टर्नओवर ओवर ट्वेंटी लाख के ऊपर है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में है उसके पास जीएसटी है तो उसको तो जीएसटी पे किया तो बर्डन तो पूरा इसके ऊपर आ गया ना तो रिटेलर है। हाँ, और मे रिटेलर yes. मैंने पहली बात तो जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था बी टू बी बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस जीएसटी में मत बोलना मैंने कहा था जीएसटी में बी टू बी रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड बोलना अरे यहा ना और बी टू बी टू सी बी टू सी कंज्यूमर बहुत बोलना रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड टू रजिस्टर अनरजिस्टर्ड बोला इन हाँ। शॉर्ट तुम्हारा ट्रांजेक्शन बी टू सी है बी टू सी है तो क्रेडिट तुमको नहीं मिलेंगे यू आर द अल्टीमेट यूजर फिर पर आप बोलोगे अरे पर मैं तो बिजनेसमैन हूं समझ में कुछ याद आया हर कड़ी मैंने बांध के रखी है हर कड़ी मैंने बांध के रखी है चलो और कोई डाउट क्वेश्चन हाँ हाँ अबे एक सवाल यह है ओके okay, अच्छा सवाल है अभी भी अभी डोर बांध देता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ प्रैक्टिकल केस स्टडी ये है कि एक बंदे ने फैक्ट्री चालू की थी अब वो मैन्युफैक्चरर हो ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो आप 20 लाख का थ्रेशोल्ड ले सकते हो अरे है ना अब फैक्ट्री चालू किया उसने और फैक्ट्री में और ये 20 लाख टर्न के बेस पर आई रिवीट बीस लाख टर्न फैक्ट्री चालू किया वो स्क्रू नट बोर्ड बना रहा था यहां पुणे का ही बंदा था तो वो जब स्क्रू नट बोल्ट बना रहा है पुणे का और अभी इस साल फैक्ट्री चालू किया पहला साल था अभी अभी उसकी ओपनिंग हुई थी पहला बिल निकला उसका पहला बिल निकला कुछ डेढ़ लाख का तो उसने पूछा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओ क्या मैंने क्यों करवाता रहने देना बीस लाख के तू तेरी फैक्ट्री होगी कि कितनी बड़ी उससे क्या लेना देना हमें जो थ्रेश दिया है वो टर्न पे दिया है हमें जो थ्रेश दिया है वो टर्न पे दिया है तूने फैक्ट्री बड़ा बड़ी फैक्ट्री होगी दस एकड़ की उससे क्या लेना देना तेरा टर्न ओवर तो डेढ़ लाख हुआ अभी तक अरे है ना तो मैंने कहा मत लगा जीएसटी जाने दे इन लिख दे टैक्स इन मत लिखना इन या बिल लिख दे और भेज दे भेज दे और पर मैंने ये भी पूछा तेरा कस्टमर कौन है तो बोले बी टू सी है क्या कहा मैंने बी टू सी है तो मैंने छोड़ दे जब तेरे पे लाइबिलिटी नहीं है तो तू क्यों दे रहा है बीस लाख तक लेना एंजॉय करना समझ में आया क्या पहला बिल निकला फिर उसके पास ऑर्डर आया बजाज ऑटो का हाँ सुनना भाई ऑर्डर आया बजाज ऑटो का वो और ऑर्डर था सात लाख का तो उसने कॉल किया मेरे को उसने कहा कि बजाज ऑटो का ऑर्डर है और वो जीएसटी इन्वाइस मांग रहे क्योंकि बड़ी कंपनी है उनको क्रेडिट चाहिए उनको क्या क्रेडिट चाहिए जीएसटी इनवाइस बना हमारा तो जीएसटी नंबर नहीं है मैंने कहा तू बजाज ऑटो का ऑर्डर लेना चाहता है क्या बोले यार क्या बात कर रहा है क्यों नहीं लूंगा बड़ी कंपनी है नाम लग जाएगा टैग लग जाएगा मेरे को कि बड़ी कंपनी की ऑर्डर मिलती है।, मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है अरे पर तेरे को फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है अरे जान देना कर लेना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जीएसटी के लिए क्या मैं कस्टमर छोड़ दू क्या अरे ये सर जीएसटी के लिए कस्टमर छोड़ दू क्या तो आ, उसने सिर्फ यह पूछा कि अभी मेरा बीस लाख खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एक ही ऑर्डर की डेढ़ लाख की अभी भी एटीन लैख्टी थाउजेंड बाकी है 1 अभी भी मेरा लिमिट खत्म नहीं हुआ है तो मैं यहां पे लू क्या ऑर्डर ये सेवन लैक्स की और वो जीएसटी एस इनवाइस मांग रहे हैं मतलब वो टैक्स इनवाइस मांग रहे हैं बजाज ऑटो वाले कस्टमर है इसके और ये ये टैक्स कौन छोड़ना जाएगा आज बजाज ऑटो का ऑर्डर कल होना का आएगा आया ना तो मैंने कहा फिर ठीक है फिर हमारी एक प्रावधान है क्लॉज है हमारे प्रोविजन में जीएसटी लॉ में सेक्शन ट्वेंटी फाइव में अगर किसी का बीस लाख क्रॉस नहीं हुआ होगा और उसको वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन लेना है मैंने क्या कहा एक वर्ड आया पिक्चर में क्या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है तो क्या वो वॉलेंट्री ले सकता है हाँ पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि तुमने जीएसटी लिया तुमने वॉलेंट्री लिया हो या कैसे भी लिया हो तुमने जीएसटीन लिया जीएसटीन लिया मतलब आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो नाउ यू आर लायबल ऑन ईच एंड एवरी पाए नाउ यू आर लायबल ऑन ईच एंड एवरी पाए मतलब सर नहीं समझा मतलब ये हुआ कि मैंने उसको वो उसने भी एक सवाल पूछा मुझे बड़ा बड़ा क्लेवर सवाल था बिजनेस मैन है भाई वो दिमाग नहीं लड़ाएगा तो कौन दिमाग लड़ाएगा तो उसने मेरे को यह पूछा विशाल ऐसा करते कि अभी सात लाख का जीएसटी बिल दे देता तो, और रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसके बाद वापस कैंसिल नहीं मैं जीएसटी नहीं लगाऊंगा फिर नॉर्मल इनवाइस दे दूंगा सबको नॉर्मल इनवाइस दे दूंगा बिल वगैरह कैसे भी मैंने कहा गवर्नमेंट को बेवकूफ समझ के रखा है क्या अब तूने देख सोच समझ के ले वॉलंट्री ले रहा है पर एक बार जीएसटी ने ले लिया तो तेरा बचा हुआ साढ़े अठारह लाख जो है लाख थाउजेंड वो भी गियो मतलब गियो मतलब मतलब उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़े गया आप तेरा गया हो गया त्रिशूल खत्म तो गवर्नमेंट कहती है आ, हम हमारे तरफ से ट्वेंटी लाख तक दे रहे आपको और उन लोगों वो लोग जरूर ले जिनके ट्रांजेक्शन बी टू सी है अरे या ना पर किसी को अगर वॉलंट्र रजिस्ट्रेशन करवाना है तो करवा सकता है पर एक बात ध्यान रहे कि अगर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उसको अब कंटिन्यूस जीएसटी देना पड़ेगा तो आखिरी में वो ठीक है मैं मैं बजाज का ऑर्डर नहीं छोड़ूंगा अब आप कहोगे फिर सर अगले साल भाई साहब याद रखो उसके पास जीएसटी है और जब तक जीएसटी है तब तक जीएसटी है फिर वो कितने कौन सा भी साल हो आई होप यू अंडरस्टूड तो ऐसे सिचुएशन में बस तीन लाइन खत्म करते हैं बेसिक थ्रेशोल्ड तो ये बेसिक थ्रेशोल्ड की लिमिट 20 लाख की होनी चाहिए ये स्टेट स्टेट अपने मन से डिसाइड करेंगे या कॉमनली डिसाइड होगा जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होगा अरे आया ना थ्रेशोल्ड 20 हो 10 हो 40 हो वो जीएसटी काउंसिल में रिकमेंड किया जाएगा नेक्स्ट रेट ऑफ द रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट ऑफ फ्लोर रेट विद ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स हाँ जीएसटी रेट्स अभी बताओ जीएसटी रेट क्या डिसाइड हुआ है फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी रेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से डिसाइड किया या काउंसिल में डिसाइड हुआ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा यस और नो हां ये रेट में अगर चेंज भी करना हो तो कौन डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल रिकमेंड सकते उसके बाद में स्पेशल रेट और रेट ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज द एडिशनल रिसोर्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलॉमिटी और डिसास्टर ये क्या है अभी एक बात बताता हूं कोविड में कोविड में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन्होंने प्रपोजल दिया था कि कोविड सेस लगाएंगे जैसे एजुकेशन से ना तो कोविड सेस लगाएंगे और जीएसटी जीएसटी पर लगाएंगे यानी जीएसटी 18 परसेंट प्लस क्या स्पेशल रेट कोविड सेस लेकिन सारे स्टेट्स ने नहीं माना सारे स्टेट ने कहा जीएसटी अभी तक सेटल हुआ नहीं है मोदी जी एक रात को एक जुलाई 2017 को आए घंटा बजा दिया और बोल दिया आज से जीएसटी लगेगा अरे आया ना आज से जीएसटी लगेगा पर लोग पहले ही जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से नाराज है ऊपर से हम उसके ऊपर क्या लगा रहे कोविड से ये गलत बात होगी तो जीएसटी काउंसिल में इसको टू सॉरी थ्री फोर से ज्यादा वोटिंग मिली नहीं समझ में आया पर हाँ अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाना हो तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड कर सकता है उसके बाद में हाँ इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये हाईलाइट करना अरुणाचल प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर मणिपुर मेघालय मिजोरम नगर सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल okay, प्रदेश उत्तराखंड ओके तो यहां पे ये कुछ ऐसे स्टेट हो गए जिसके लिए शायद हम जीएसटी में कुछ अलग प्रोविजन बना सकते हैं अलग क्योंकि यहां हिली एरिया है बिजनेस के नेचर को देख के इनको स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है और इनके लिए प्रोविजंस कुछ हम अलग अप्लाई कर सकते हैं जैसे यहां थ्रेशोल्ड बीस का नहीं रहेगा यहां थ्रेशोल्ड दस का रहेगा समझ में आया क्या तो थोड़ा हम और डिस्कस करेंगे कल और लास्ट एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स एज काउंसिल में डिसाइड तो ये था अबाउट जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन दोस्तों यहां पे आज का सेशन जो है एन करते हैं आई होप आपने एंजॉय किया होगा सो so मिलते हैं टुमारो शार एट एट एम टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी बंधनों को तोड़ के आना है एंड चेक यूर बिलोंगिंग्स एंड बाइबल बच्चों कल मिलते हैं यहां पर थैंक यू बेटा बहुत एंजॉय किया सर थैंक यू ऑर्डर आईडी डालते जाओ प्रिफरेबल टाइम डालते जाओ कल यूट्यूब पे सेशन रहेगा कल का लास्ट सेशन रहेगा उसके बाद में सॉफ्टवेयर पे रहेगा इसलिए आज ही आपके सॉफ्टवेयर के सेटअप करो सारे हुँ? बाकी सब पे लीवी है उस उसपे किस पे टैक्स कलेक्ट करना है और किसको एग्जामिशन देना है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है लेवी मतलब लायबिलिटी हैर काही काही एक्झमिशन ठीक आहे हॅलो वाय थांबशे ना रेकॉर्डिंग पण बंद नको करू बंद केली का नाही मुलांचे जे डाऊट असतात ना ते रेकॉर्ड रेकॉर्डिंग चालू केलीच नाही आपण ब्रेकमध्ये मग राहू दे Okay. तू आठवनी ने कर जा, बंद कर ब्रिक मध्य बीस बच्चों से नहीं बीस लाख तक हाँ। नहीं एक बच्चे नहीं नहीं एक बच्चे की समझ लाख के टर्न ओवर तक जीएसटी नहीं आता है तो बीस लाख के टर्न ओवर में पचास बच्चे आए तो पचास बच्चों को जीएसटी नहीं बच्चा, तो, तो तो नहीं तो अपन अपन जीएसटी दो मैं कस्टमर को क्यों छोड़ूंगा तो नहीं, नहीं ले सकते नहीं, नहीं नहीं लो ना पर कस्टमर रेडी नहीं ना कस्टमर रेडी नहीं तो फिर तो फिर कस्टमर को छोड़ दो समझा? फिर कस्टमर को छोड़ दो हाँ आज हो जाएगा बेटा वो ट्वेंटी और वगैरह आज हो जाएगा स्ट्रीमिंग डिवाइड हो जाएगा बाय बेटा ग्रेट डे प्रियांशु ग्रेट डे बेटा क्लास इज ओवर क्लास इज ओवर नींद में था क्या क्लास ओवर हो गया ना 50 IDS, नहीं आईडी पूरा यूज करना पड़ता है आई जी एस टी पूरा यूज करना आई जी एस टी पूरा यूज करना मैंडेटरी है नहीं फर्स्ट एग्जॉस्ट द आई जी एस टी पर बेटा तेरा क्वेश्चन सबके लिए अच्छा है कल पूछना याद से पूछना बजाज ऑटो है वो जीएसटी तो रहेगा तभी लेगा सर लेकिन पे नहीं करना है, तो, ले तो, तो इनपुट लेना नहीं है मतलब टैक्स पे किया ही नहीं है तो उसको इनपुट लेना नहीं पड़ेगा विदाउट मिलेगा उसको तो से। तो सर वो बिना जीएसटी मतलब के भी ले सकते हैं कुछ अगर तू समझ सकता तो अभी आंसर देता हो अदरवाइज रुक जाना पहली बात तो मैंने उसको बिना जीएसटी का दिया पर मेरी परचेस तो जीएसटी में है और मैं जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ तो वहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट हो गए वो कैस्केडिंग इफेक्ट प्राइस में इनबिल्ट रहते है बजाज ऑटो को नुकसान होता है डिटेल डिस्कशन बात में क्योंकि चीन ब्रेक हुई ना बीच में वहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट तो बजाज ऑटो को नुकसान होता है तो तो हाँ उसके लिए आगे एग्जाम्पल है बस अभी हो जो मैंने कहा हुआ। तो सर का। तो में जिस दिन भी तेरा बीस लाख खत्म हो जाएगा में नहीं नहीं एक साल खत्म हो गया तो फिर नए साल एक साल में बीस नहीं खत्म हुआ तो अगले साल का वापस बीस मिलता है पर वंस यू रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड सर जो पर्सन अनरजिस्टर्ड है उसने अगर जीएसटी पे किया है रजिस्टर को देन हम कस्टमर को विदाउट जीएसटी बट ज्यादा प्राइस लगा सकते हैं हाँ होता है नंदिनी पर उसका मैकेनिज्म अभी रुक जाओ उसके लिए बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल बना के दूंगा आपको बाद में गुड नाइट बेटा सर अगर इंटरस्टेट सप्लाई करना है तो ट्वेंटी लैक्स मैटर नहीं करता ना नहीं करता बेटा क्योंकि वहां कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है आगे आएगा वो आगे आएगा हाँ कल की क्लास यूट्यूब पे ही होगी पर लास्ट क्लास होगी है। नहीं मिलेगा वो कॉस्ट होगा इसके लिए तेरा क्वेश्चन रुक जाना मैं क्या करूंगा एक एग्जाम्पल चैप्टर नंबर टू में लूंगा एक रजिस्टर्ड ने अनरजिस्टर्ड को बेचा फिर अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को बेचा फिर रजिस्टर्ड ने वापस अनरजिस्टर्ड को बेचा तो कैस्केडिंग कैसे होते हैं मैं बाद में समझाता हूं ठीक है वो चैप्टर नंबर कंपोजिशन स्कीम में एक पूरा फ्लो मैंने बना के दिया उसमें क्लियर हो जाएगा बुक नहीं आई है तो बेटा डिस्पैच तो सब हो गई है आप ऑर्डर आईडी डाल दो अभी तो फिर जेरोक्स ही रेफर करना है आपको थैंक यू सो मच चलिए यहां रुकते हैं आपके क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट थे तो मैंने देखे गुड्स और सर्विस पे बेटा रेट चार स्लैब में ही मेनली आते हैं फाइव ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी एट इस स्लैब में ही सारे गुड्स और सर्विसेज डिवाइडेड है उम्र पर रेट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है रेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो टैरिफ मिल जाता है रेट का और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो एग्जाम में दे दिया जाएगा बाय बेटा बाय ये समंत तुम सही बोल रहे हो पर इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है जीएसटी थैंक यू सो मच बेटा अल्कोहल इंपोर्ट होके आया होगा तो उसके ऊपर बीसीडी लगती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है इनकम टैक्स से लॉजिक ज्यादा जीएसटी में है <laughs> चलिए। गोल्ड पे कम है बेटा जीएसटी तीन परसेंट है कुछ ऐसे गुड्स है जिसपे रेट्स जीएसटी के अलग है नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा चलिए यहां रुकते हैं बंद करूंगा वो पेट्रोलियम कंपनी पे, पेट्रोल पे नहीं लगता है तो जो पेट्रोलियम कंपनी के से...